ये मैं इसकी टहनी लेके आया था इसराइल से। इसराइल था? हाँ जी। और इसका मैंने एक तो कलोन से कलोन बनाया इसका, और दो इसके बनाए थे मैंने ग्राफ्टिंग। अच्छा। अंडे खाने की जरूरत नहीं, इतना गर्म होता है कि आप दो ही महीने खा सकते हो इसको। जनवरी दिसंबर और ये कैंसर वाले को भी खिलानी चाहिए, जिसको कैंसर है उसको इसकी सब्जी खिलानी चाहिए। यहाँ चीते हैं, आपको चीते खा लेंगे, ठीक है ना। तो फिर वो बोले भाई यहाँ ना आप अंदर बढ़ो। मैं अंदर में बढ़ के और एक गांठी पाड़ के लिया था उसकी। सबसे पहले इसका नाम है थाईलैंड एप्पल। थाईलैंड? अच्छा, थाईलैंड का है ये। ग्रीन एप्पल भी बोलते हैं इसको और थाईलैंड एप्पल भी बोलते हैं। अच्छा। यू 10-15 किलो का है। ठीक है, 10-15 किलो। हाँ, एक पेड़ के नीचे से। अच्छा, ये देखो मैं आपके पेड़ थी कि बेल थी? उसकी बेल थी जी, बेल। अच्छा। पेड़ तो बोलती है एक बेल को, और ये बीज किसी के पास नहीं है। नहीं है? यही मैंने किसानों को बांटे आई है। अच्छा, यू कहता को नहीं किसी को पास? यहाँ पर नहीं है, ये भी मेरे को किसी आदमी ने, दूसरे देश से आया था, उसने दिया था मेरे को। अच्छा, क्यों बोलते हैं कश्मीरी एप्पल। ठीक है। हाँ, ये देखो ये अब सूख रहा है ये। हाँ। मतलब 6 महीने तक इसकी स्टोर कर सकते हैं। हाँ, इसको इसमें हम पॉलिथीन चढ़ा देंगे, पॉलिथीन से भी पकतेगी। ठीक है, ये पकने वाली है, तैयार है। बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल है। हाँ, हाँ। ये बीज लुप्त हो गया। अच्छा, लुप्त हो गया? लुप्त हो गया, ये हमारे बुजुर्गों ने मेरे को दिया था। अच्छा। तो मैंने इसको सांभ के रखा, भाई कैसे भी सांभ के रखो इसको, रखो। दिख गया आपने? ये ये मोहनिया गन्ना है। इसका चूसने का भी नजारा अलग है, और इसके गुड़ शक्कर खाने का भी नजारा अलग है। काला काला पोंडा, काला पोंडा। हाँ, ये देखो आप, इसकी लंबी भी है। ठीक है, ये भी मेरे को किसी किसान ने दिया। एक मैं जंगल में से हल्दी लिया था, देहरादून के जंगल। अच्छा? से एक ही गांठ पाड़ के लिया था, क्योंकि मेरे को वहाँ इसमें ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, इसमें खुशबू है। अच्छा, आप देखो कितना पीड़ा है जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये कैंसर की दवाई में काम आती है। अच्छा, काली हल्दी बिताऊ ले रहे हैं भाई? ये काली हल्दी है। अच्छा, काली हल्दी है। हाँ, इसमें रेशे अंदर भी काले हैं, दिखाऊं मैं? अच्छा, तोड़ के दिखाओ, दिखाओ, दिखाओ। ये और जो जचा होती है, जिसका बच्चा होता है, उसको भी सौंठ उसमें इसके खाने में मिलाते थे। ठीक ठीक ठीक। देर रात तो चढ़ जाएगा। अच्छा, मैं अंदर आदमी पूरा पानी छोड़ दिया, लग जाओ रहता। ठीक है, बात तो आप देखो इसके अंदर मैंने बड़के पत्ते डाल रखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यार चीज भाई प्रॉपर ध्यान दे, दिखा दे भाई। ये दिखा दे, बड़के पत्ते कहते डाल रखे हैं इसमें। ये लहसुन है, जिसमें मैंने लिम्का बुक में रिकॉर्ड बनाए 2 बार। ये ब्रोकली है। ब्रोकली के हुआ है 15? अच्छा? किलो 20-20 किलो की भी हुई है मेरे पास। अच्छा, 20-20 किलो की। यू कुक कर रही हूं, इनमें वजन बहुत है। अच्छा। देखो कहते भी पतली पतली है, पतली पतली। आप देखो कितनी मोटी है, ये 6 फुट की है। देखो 6 फुट, देख ले भाई, भर रहा था इसका। ये चना उनाट गया था, चना और मटर के क्रॉस से ये बनाया। इसको बोलते हैं बाकला। बाकला, हाँ। अच्छा। और ये 1 एकड़ में 40 मिनट के करीब नहीं। इसमें अगर जल्दी पकाना है ना, इसमें क्या करूंगा मैं, इसके ऊपर का तरपाल डाल दूंगा। अच्छा, पॉलीथीन वाली। पॉलीथीन वाली, ये 5.5 फुट के करीब। 5.5 फुट के करीब किया, और 6 फुट की भी दिखाऊंगा आपको। 6 फुट की? आपने बैंगन देखा होगा, काला पीला लाल। बिल्कुल, आपको मैं आज सफेद बैंगन दिखाता हूँ। सफेद बैंगन? सफेद बैंगन। अच्छा, लावा जिंदगी में आप लोग भाई पहली बार सफेद बैंगन देखने लग रहे हो। ये 3 किलो 700 ग्राम वजन की वो है, जिमीकंद। 3 किलो 700 ग्राम से टिंडी होती है, हमारा मक्खन होता है। मक्खन सर्दियों में मक्खन टाइट टाइट ऐसे लगती है, जैसे इसमें 3 किलो से ऊपर की है ये, और 1.5 फुट की लंबी है। उसने कहा भी, उन्होंने कहा व्हाट इज दिस एयरपोर्ट पे, उन्होंने कहा भी इसके दांत में दर्द है। मैं तो अंग्रेजी जानता नहीं था, इसके दांत में दर्द है, मैं दांत में ऐसे मारूंगा यार। अच्छा। और दांत की मैं यहाँ कर। अच्छा, गल्ला आपका कोई मतलब हरियाणा से। स्वैग मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने, आज अगिल कुराड़ी की ओर राम राम। आज मैं ऐसी जगह पे आ गया हूँ जिसकी नजर इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, स्विट्जरलैंड की नजर इस छोटा सा बगीचा पे है, क्योंकि यू बगीचा हरियाणा की शान बानी, पूरा भारत की शान है। कैमरा मैन तक हूँ, 6.5 फुट की गिया दिखा दे भाई, प्रॉपर तरीके से गिया दिखा दे भाई। उरा जो भी चीज है, मतलब कि आपने हर जगह का जुगाड़ लेके है, 4-4 फुट की उरा अरबी है भाई, गिया है 6-6.5 फुट की भाई, और ब्रन के केयर जो यू काम करा है बंदा। यू भाई साहब इजराइल यूएसए के टूर मार चुका है, स्पेशल बुलाए हुए है कि मर्द और आर मामना बता पूर देख ले बिलट लट के अंदर लेके आवा था यार। राम राम था, वो भी तो कम दिखा मुझे। अच्छा, कम दिखा है तो के नाम बताया वो भी। ये लाठी तो मैं लिया था, आपको ये गिया दिखाऊंगा अभी कितनी लंबी है। अच्छा, ले भाई लाठी क्या फुट की है? ये लाठी है 6.5 फुट की। 6.5 फुट की लाठी है ए, ला देख लियो भाई, ए ला देख लियो भाई, ताऊ का जज्बा उसला ए उर्ली साइड आकर दिखा दे भाई, प्रॉपर तरीका जमा ले भाई। लाठी छोटी रहेगी, 6.5 फुट की है, तैयार कर दी। अच्छा, इसका के खड़ा है इस तक है? इसको मैं देसी खाद डालता हूँ, और मैंने एक नया तजर्बा टोया है।
ये ऑर्गेनिक खाद कहते हैं ना, जो ऑर्गेनिक है, जो पशु चाट खाते हैं, जैसे बिनोला खाते हैं, खड़ खाते हैं, और बाड़ी के ऊपर स्प्रे करते हैं लोग, वो स्प्रे करते हैं, पॉइजन होता है उसमें, स्प्रे करते हैं पॉइजन का, तो दवाइयों का स्प्रे करते हैं, तो उसमें गोबर भी वो शुद्ध नहीं है। परंतु मैंने शुद्धता किस चीज की टोई, मैंने जो वृक्षों के पत्ते हैं, जैसे ग्रीन बेल्ट है, मैंने 1 किलोमीटर तक के सारे पत्ते वहां से उठा के ले आया मैं, और जड़े पत्ता अच्छा। सूखा पत्ता और यहाँ लाके मैंने इसमें डालिया है, वो इसकी देन है। अच्छा, इसमें ये सबसे पेवर तो ऑर्गेनिक चीज ये है। अच्छा। जो वृक्षों के पत्ते हैं, किसी भी वृक्ष का एक उसको छोड़ के, अशोक के पत्ते छोड़ के, वो तजाबी होते हैं पत्ते। आप ये 6-6 फुट 6.5-6 फुट घिया करो, लंबी बीज का घिया था, स्टार्ट हुआ था या फिर किस तरह की स्टार्टिंग हुई थी? नहीं, बीज लंबा वाला है, नहीं तो लोगों ने लगा के 2 फुट की है, किसी की 3 फुट की है, परंतु खुराक नहीं दे सकते, पानी नहीं टाइम पर दे सकते। अच्छा। अगर पानी टाइम पे देवेंगे तभी तो, मतलब टाइम पे पानी खाद देंगे तभी लंबी होगी ना। हाँ, ये मोटी भी हो जाती है आपको। अच्छा। इसी बीज की मैं मोटी भी दिखाऊंगा। अच्छा, यही बीज है, मोटी भी दिखाऊंगा। अच्छा, यू के ले रखे हो रही है ये जो सी ये चीज है जिसको बोलते हैं ये, इसी किचन गार्डन के अंदर मैंने फलदार पौधे भी लगा रखे हैं। अच्छा। इसको बोलते हैं बेलगिरी। बेलगिरी। और इस बेलगिरी के अंदर में हरियाणा के अंदर किसान मेले पे फर्स्ट आया था। अच्छा, किस इस मतलब इसमें क्या क्वालिटी है इसमें? ये क्वालिटी के हिसाब से भी सबसे क्वालिटी ग्रीन, बिल्कुल देखने लायक है। अच्छा, देखने लायक है। हाँ, देखने लायक। इसीलिए मैं इसमें फर्स्ट आया था। वजन का भी हिसाब होगा? वजन का भी हिसाब करते हैं, सारी चीज करते हैं। इसमें 1.5 किलो के थे। अच्छा, 1.5 किलो के थे। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, बात है। तो भाई इसमें गार्डन में आपने बहुत सारी चीज देखने मिलेंगी। इसके पास है जो पौधा, ये है ग्रेपफ्रूट का। ग्रेपफ्रूट मतलब? और ग्रेपफ्रूट का मतलब ये है कि जो ग्रेपफ्रूट है वो खट्टा होता है। अच्छा। और ये इसका अगर 15-20 दिन आदमी लगातार इसका जूस पिएगा तो इससे शुगर कंट्रोल होता है। अच्छा। शुगर कंट्रोल होता है, इससे शुगर कंट्रोल हो जाता है जिसका शुगर है। भाई ताऊ कला न्यू को नहीं भाई, मतलब कि पर्यावरण प्रेमी भी है और गला डॉक्टर भी है, वैद्य भी है, और के को बताऊ? ये दिखाओ मैं आपने, ये देखो आप इधर देखते होंगे, मुझे कम दिखता है। ये सीडलेस किन्नू है। अच्छा। इसमें बीज नहीं है। अच्छा। और इसमें मिठास बहुत ज्यादा है। मिठास ज्यादा है, बहुत ज्यादा मीठा। मैं आपको खड़ा के दिखाऊंगा इसको, आप खा के देखिए, बहुत ज्यादा मीठा है ये। हाँ, मुझे थोड़ा कम दिखता है इसलिए। और आपने यहाँ हरियाणा के अंदर लोग मोरनी हिल की साइड में तो थोड़ा बहुत अदरक हो जाता है, यहाँ नहीं होता अदरक, परंतु मैंने यहाँ भी अदरक उगा दिया। हाँ, यहाँ देखो आप, ये अदरक के पौधे हैं। अच्छा। ये देखो, ये अदरक एक भी पौधा, हाँ, इसमें एक भी अदरक नहीं सूखा। इसमें इतने पौधे हैं, ये लगभग होंगे 40-50। या फिर जुगर लेता हूँ, जुगर ले अपना बगीचा तैयार कर रखे खुद का, इसमें जुगर लेके है, एक तो एक लेवल की चीज बनाने लग रही है। चषक हो करेगी? अभी चषक है क्या? ये चषक है, मुझे जब मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था स्कूल में, मेरे को टीचर ने गेंदे की क्यारी दी थी। अच्छा। और गेंदे की क्यारी में मैंने सोचा भाई, जैसे मेरे पिताजी ने मेरे को बोला, मेरा भाई और पिताजी, मेरे से भाई बड़ा 14 साल बड़ा था, मैं जब 1वीं क्लास में पढ़ता था, तो उन्हें बोला भाई हमारी रोटी ले आइए सुबह। तो किसान न्यू कहते थे भी बासी रोटी हमारी सुबह ले आइए, बासी बोलते थे सुबह की रोटी को। अब तो दिन पर दिन समय बदल गया, उस टाइम रोटी बोलते थे, अब ब्रेकफास्ट बोल रहे हैं, कोई लंच बोल रहा है, कोई डिनर बोल रहा है, ठीक है ना, हमारे डिनर लेगा, ये लंच लेगा, ये ब्रेकफास्ट लेगा, जब तो कहते हैं भाई सुबह की रोटी लेके आइए, उसको बासी रोटी बोलते थे लोग। तो वो लेके गया, मैंने देखा वहाँ, वो मेरे पिताजी और बड़ा भाई अमरूद के खड्डे मारने लग रहे, उन्होंने 6-6 फुट के खड्डे मारे और वहाँ खड्डे मार के उसमें देसी खाद मिला के उपजाऊ मिट्टी में, तो दोबारा बगा दी एक साइड में, और खेत की ऊपर की जो मिट्टी थी उसमें मिला के उन्होंने अमरूद लगाए। अमरूद का ये साइज हुआ उसमें, इतने बड़े बड़े अमरूद लगे उसके अंदर। तो मैंने भी ऐसे अपने स्कूल में जो क्यारी मिली उसके अंदर मैंने 6 फुट तक की मिट्टी लाई, जबकि मैं 6 फुट का था, 3.5 फुट का, 3.5-4 फुट का हाइट थी मेरी। तो दूसरा लड़का ने मेरे को उतारा, दो लड़के थे हम, हमने खोद के उसकी मिट्टी बाहर गिरी, हम अपनी गड्डी लेके, नौकर लेके अपना, और वहाँ पर मिट्टी ले आई और एक गड्डी भर के हम देसी खाद की उसमें मिला के, और वो भर के उसमें हमने गंदे लगा दिए, और वो गंदे मेरे 6-6 फुट के हुए थे, ठीक है, और उसका भी इतना बड़ा बड़ा फूल था। वहीं से मेरा मन गेड़ा खा गया भाई, खेती करनी है और रिकॉर्डर किसान बनना है, रिकॉर्डर किसान वहां से। हाँ जी, रघुवीर शर्मा उनका नाम था, मेरे गुरुजी थे जो जिन्होंने क्यारी दी थी, रघुवीर सिंह शर्मा, वो चंद्रलाना के
थे। अच्छा। उन्होंने मेरे को कहा था ये क्यारी तैयार करनी, उन्होंने मेरे को प्राइज भी दिया जैसे उस टाइम में प्राइज देते थे। मैं एक चीज और दिखाता हूँ आपको, लोग हर रोज स्प्रे करते हैं, मैं स्प्रे नहीं करता इस पे, अगर कभी जरूरत पड़ती है तो नीम का स्प्रे करता हूँ। अच्छा, मैंने यहाँ पर इस क्यारी में 10 पौधे उसके लगाए थे बैंगन के, और 10 में से एक पौधा कोई मांग के ले गया, उखाड़ के दे दिया, 7-8 पौधे उसमें से फंगस में खत्म हो गए, ठीक है, एक पौधा बचा। एक पौधे पे हमने, हमारे 3 परिवार इस पे से सब्जी खाते हैं। अच्छा। और फिर भी नहीं मुकता। मैं आपको ये बैंगन दिखाता हूँ, तो ऊपर से गाय ने खा लिया ये। हाँ, गाय ने खा लिया, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसकी बैंगन की बेल हो गया क्या, हुआ यू पेड़ हुआ यू पौधा है ये। अच्छा, ये देखो आपको दिखते होंगे लगे, देखिए ये बैंगन लग रहे हैं, इस पे बैंगन बहुत लगता है, मुझे तो कम दिखता है, आपको बिल्कुल दिखा रहा हूँ मैं। हाँ, ना बहुत दिख रहा है बैंगन, बिल्कुल बिल्कुल बैंगन लग रहे हैं, बिल्कुल देख ले भाई, बिल्कुल बैंगन दिखा दे, यहाँ भी बैंगन रंग की बैंगनी दिखा दे, बैंगन ही है, बैंगन है, इधर भी होगा देखो। हाँ हाँ, देख गया, देख गया, बिल्कुल बिल्कुल, वाह जी वाह। और ये आलू है पछेता, जब हमारा उसमें गर्मी आएगी उस टाइम उखाड़ेंगे इसको, गर्मी के टाइम में, ठीक है, ये गर्मियों में काम देगा आलू, गर्मियों में काम देगा। एक टाइम एकदम कभी भी सारी सब्जी एकदम मत लगाओ, थोड़ी 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 करके लगाओ। अच्छा, अलग अलग सीजन, अलग अलग नहीं, इसी सीजन में 10-10-20 दिन के फैसले में लगाओ। अच्छा, उसमें फायदा रहता है। अच्छा, हाँ जी हाँ जी, ठीक है, बात है। और इसके बाद मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये क्या बोलते हैं, नींबू, नींबू इसमें लग रहे हैं, परंतु इस बार क्या है, फ्लड आ गया। अच्छा, और फ्लड की वजह से आप इधर देखो, पूरा लगाओ कैमरा, दिखा दे भाई, देख भाई, ये गुच्छे लग रहे हैं, देखो गुच्छे लग रहे हैं, गुच्छे लगते हैं इसके, इस फ्लड की वजह से गिर गया था सारा। अच्छा। इसका, और ये 12-मासी पौधा है, कुछ खड़ा था इसको, कुछ नहीं खड़ाते हम, इसके नीचे मैंने 2 पल्ली उसकी पत्ते की डाली थी, भाई खरपतवार न उगे, और जो खरपतवार उगते हैं वो इसके खुराक चूस जाते हैं, और उसका खाद बन के इसी में खाद लग गया, ठीक है, खाद भी बन के इसी पौधे को उठा दिया। अरे पत्ते डाल ले, नहीं सूखे पत्ते जो सूख जाते हैं, पतझड़ में लेके आया था, पतझड़ में 2 पल्ली बांध के इसके नीचे को बिछा दिए थे, जबकि एक इसमें कमी है, सिर्फ एक ही साइड इसकी कच्ची है, कच्ची है, और 3 साइड पक्की है। अगर तीनों साइड इसकी कच्ची भी होती इसमें तो मतलब मुकने का मतलब ही नहीं था, अभी मुक जाए कभी, मुकते अब भी नहीं है, अब भी इसमें बहुत लग रहा है, ठीक है, बिल्कुल 12 महीने लगता रहता। और एक बात और बताया जो भाई आप लोगों का, लाल के इसके पौधे भी मैंने तैयार कर रखे हैं, और ये बार का पौधा है, यहाँ का नहीं है, यू कतोड़ का है ये, मैं इसकी टहनी लेके आया था इजराइल से, इजराइल था, हाँ जी। और इसका मैंने एक तो कलोन से कलोन बनाया इसका, और 2 इसके बनाए थे मैंने ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग में तो इतना कामयाब नहीं था, ग्राफ्टिंग में तो 50% इसमें कामयाबी मिलती है। अच्छा। कैसे मिलती है कि 50% इसके गुण होते हैं, 50% दूसरे गुण होते हैं, तो मैंने अपने खेतों में लगा रखा था, फिर मैंने इससे गुट्टी से भी तैयार किए। अच्छा। इसके पौधे और अंदर दिखाऊंगा मैंने इसके उसे गुट्टी से तैयार करके पौधे, गुट्टी। अच्छा, में पेड़ा खराब पेड़ा नहीं था, टैनी थी, अच्छा, दांतरण करते करते आए, वो जाने नहीं देते कुछ भी वहाँ से। हाँ जी, वो दांतरण की वजह से मैं लेके आया था इसको, जो मेरी ट्रांसलेटर थी उसने कहा भी, उन्होंने कहा व्हाट इज दिस एयरपोर्ट पे, उन्होंने कहा भी इसके दांत में दर्द है, मैं तो अंग्रेजी जानता नहीं था, इसके दांत में दर्द है, मैं दांत में ऐसे मारूंगा और दांत की मैं यहाँ कर। अच्छा, गल्ला आपका कोई मतलब हरियाणा सरकार ने टोल रखी थी गल्ला? मेरी जो ट्रांसलेटर करती थी वो IAS थी, नवराज सिंधु, ओके, वो उन्होंने कहा भी इसके दांत में दर्द है इसलिए दांतरण कर। ठीक ठीक ठीक, ला भाई, ताओ इजराइल भी जा रहा है, रिपताओ तो हमने क्या रंग बिरंगे आलू भी दिखावा भाई। तो वो मैंने आलू तेरे दे दिया था क्या? आलू कहाँ गेर दिया? मैंने गेर दिया, ले जाऊँ, ले जाऊँ, ले रहे हुए, ले जाऊँ छोटा सा। अच्छा, ये इसमें 3 प्रकार का आलू है। अच्छा, इसको हम स्टोर में रखेंगे इस आलू को तो, और जो घर में रखेंगे वो भी दिखाऊंगा आपने। ये अभी छोटा छोटा बैठने लग गया है, इसमें लाल आलू भी है और कहाँ गिर गया, और इसमें काला आलू भी है, काला आलू है, दिखाऊंगा अभी, थोड़े थोड़े बैठन लगे हैं। ये देखो, ये यहीं से पाड़ा मैंने। अच्छा दिखा? ये देखो काला आलू है, काला आलू है भाई, देख लो भाई, आज तो छोटा है, इसमें तो पैड़े है भाई, काला आलू का इसमें क्या है मतलब, ये सही है उस आलू का? मतलब इसमें मिठास नहीं है। अच्छा, ये वो है शुगर फ्री है, शुगर फ्री है, शुगर फ्री है ये काला आलू। अच्छा। इतने बड़े बड़े हो जाते हैं ये। अच्छा, रेट लगे काला आलू के? ये मैं दिल्ली से लिया था किसी किसान से। अच्छा, हाँ जी, ये तो किसान ने दिए थे मेरे को 2 आलू पिछले साल, और वो रेट लगे मेरे पे, इसका मैंने उसके 20-30 पौधे बना रखे हैं, 20-30 लग रहे हैं, और वो लास्ट में दिखाऊंगा मैं आपको। अच्छा, जब पक जाएगा ना 1-1.5 महीने के बाद फिर बुलाऊंगा। अच्छा, एक तो जो काला आलू है, एक अपना नॉर्मल आलू है, अरे एक
इसमें एक तो ट्रिपल, ये ट्रिपल टू है, ये ट्रिपल टू है। उधर लाइन है काला आलू की और आपकी लाइन है लाल आलू, लाल आलू की। ठीक हाँ जी, वो अभी वो बैठा नहीं क्योंकि ये कच्चा है अभी। हाँ अभी बैठने लगे, थोड़े थोड़े बनने लगे। ठीक 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 ठीक। और ला भाई कली कली चीज आ रही है कि हैं शकरकंदी है ये, और ये अरबी है। अच्छा, ये अरबी मैंने इसलिए नहीं उखाड़ी, ये दो दो फुट ढाई ढाई फुट की गांठे हैं क्योंकि इधर आलू खड़ा था, मिट्टी डालने की जगह नहीं थी। फिर मैंने जो बीज के लिए उगा रखी है, जो छोटी जो सप्लाई करता हूँ मैं बीज में, वो मैंने एक ही पौधा उखाड़ा, वो भी एक डेढ़ फुट की लंबी है। ठीक है। और कम से कम 2-3 किलो वजन होगा, वो मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, बिल्कुल। वो पाड़ूंगा मैंने, आधी छोड़ दी थी आधी काट दी थी। ला भाई बिल्कुल, तो मैं लाइव तस्वीर में दिखावांगा भाई, किसी प्रकार का कोई इसमें नहीं होगा, हमने मिला किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है भाई, ओरिजिनल चीज है। और जो एक खेती तक सीमित रहा है भाई, ये सब्जी वाला बिजनेस मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया रहेगा। ताऊ के है भाई लाखों रुपये ताऊ कमान लग रहे हैं भाई, आप लोग देख सको। और बढ़िया कर का मतलब कि इज्जत भी बन रही है इसकी, क्योंकि सामने उखाड़ी है, इसमें 3 किलो से ऊपर की है ये और 1.5 फुट की लंबी है। अच्छा, ये देखो आपके सामने मैं बिल्कुल साफ करके दिखाऊंगा इसको। अभी इसमें यहाँ तक गांठ बनेगी, यहाँ तक जब सूखेगा पौधा यहाँ तक बन जाएगी। ये देखो, कोई ये नहीं कहते भाई कहीं से लेके आए, आपके सामने उखाड़ी है, हरिया पौधा है इसमें। और इसका क्या है, इसकी सब्जी बहुत बढ़िया बनती है। अच्छा, इसका अचार भी बहुत बढ़िया बनता है। अगर कहते हो मैं इसको धो के लाऊं एक मिनट के लिए, नहीं धोने वाली कोई बात नहीं है। तो ये देखो इसमें ये लगभग 1.5 फुट के करीब लंबी है, वजन होगा जी है अपना पे कितनी फुट तक की हो जाए, 4 फुट तक। मेरा जो रिकॉर्ड है लिमका बुक में 3.25 फुट लंबा है। और इधर ये जमीन है ना, जो ये डाकर जमीन है, यहाँ इतनी लंबी नहीं चलती, ये रोसड़ी जमीन में चलती है। इसमें तो बहुत डाकर जमीन है, इसमें नहीं चलती है इतनी लंबी, वो रोसड़ी जमीन चाहिए, पोली रेतली जमीन, उसमें ज्यादा बढ़िया चलती है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, इसके बाद मैं आपको घिया दिखाऊं, क्या दिखाऊं बोलो। इधर वैसे मेरे पास एक नई वैरायटी वो गोभी दिखाता हूँ। गोभी दिखाओ, बिल्कुल बिल्कुल। आज ला भाई आप लोग ऑर्गेनिक गोभी देख लो, ये गोभी है छोटी छोटी अभी लगाई है। अच्छा, आप इधर ये छोटी छोटी गोभी है। इसमें किसान एक चीज लगाता है, अगर इनकम लेनी है जैसे गोभी लगा दी एक साइड में, इसमें आप शिमला मिर्च ना वो लगा दो, क्या बोलते हैं ये मेथी लगा दो, और बीच बीच में शिमला मिर्च भी लगा सकते हैं किसान है। एकदम 2-3 फसल ले सकता है, ठीक है ना। ये तो अभी की लगाई हुई है, अभी मैं गोभी दिखाता हूँ आपको, तो तैयार हो रही है। अच्छा, गोभी में क्या कुछ है, मतलब ये अलग चीज के है। गोभी मैं दिखाऊंगा, मैं आपको खड़ा के भी दिखाऊंगा। तो ये जैसे टिंडी होती है, हमारा मक्खन होता है, सर्दियों में मक्खन टाइट टाइट ऐसे लगती है, जैसे मक्खन लगता है। देखो आप इसका, ठीक है, सफेद रंग देखो आप कितना। हाँ जी, इसमें हमने तोड़ दी सब्जी के लिए। अच्छा, कुछ और भी एक दो पौधा और है जिसमें लगे हैं फूल। आओ दिखाऊंगा मैं आपने, इधर आओ, देखो देखो कैसे सफेद है। बिल्कुल बिल्कुल सफेद है, देख सको आप लोग भाई, टिंडी का रूप धारण कर लिया है गोभी ने। हाँ जी, आगे भी उतार ले भाई, एक और भी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लावे आप लोग देख सको हो, तो उम्र कितनी होगी? उम्र भाई 66 साल 10 महीने और 14 दिन की हो गया। 14 ले, फिर जन्मदिन लोहे लग रहा है। हाँ जी हाँ जी, 1 फरवरी का जन्मदिन है। मैं समझ गया बात है। अच्छा, नहीं बताओ नाम आपका, राजवीर कुक्षेत्र का? नहीं, मेरा नाम रणधीर सिंह शौकंद है जी। ठीक है जी। मेरा गांव जाजनपुर है, डिस्ट्रिक्ट कैथल का लास्ट गांव है, पेवा और डांड रोड पे है। परंतु मैं यहाँ 2015 से यहीं पर रह रहा हूँ, यहीं पर हूँ। यहाँ मकान बनाने आया था और मकान बनाते बनाते मैं अंधा हो गया आंखों से, इसलिए फिर मैंने यहाँ रहना पड़ा। नहीं, मैं तो खेत का जानवर हूँ, खेत में रहने वाला किसान था। ठीक है बात। और आप कहते थे भाई इसकी सब्जी अच्छी नहीं बनती, मैं इधर से तोड़ के दूंगा आपको एक घिया। ठीक है, दिखती है ये घिया, इसकी सब्जी बना के देखियो आप। ठीक है, अगर उधर हो एक अच्छी मैं उधर से दूंगा आपको, ठीक है ना। ठीक है। अच्छा आप एक बात, अजूगर इतनी घिया लग रही है, अच्छा फुट की ये बेचने खातर ला रखी है, इनका बीज बेचोगे? नहीं जी, इनका बीज बेचता हूँ मैं। अच्छा, बीज बेचता हूँ और बीज तैयार करता हूँ। इसका बीज कैसे है, कई लोग तो जैसे साइंटिस्ट देखे मैंने, वो घिया को सुखाते नहीं, वो गिल्ला ही बीज जब पक जाती है, टाइट हो जाती है, उसका बीज काट के निकाल लेते हैं। ऐसे नहीं निकालना चाहिए। अच्छा, अगर ऐसे बीज निकालेंगे तो इसकी जो बीज है 50% जर्मिनेशन होता है। ठीक है। अगर हम इसको 1 साल तक सुखाएंगे, जब तक इसका अंदर का गुद्दा नहीं सूखेगा, जब तक बीज अच्छी तरह तैयार नहीं होता। ठीक है, ठीक है ना जी।
जब तैयार होगा, जब अंदर का गुद्दा सूख जाए, और वो सूखने में छाया में एक साल ले लेता है। अच्छा, बताता हूँ हमेला ले बीज लेगा किया, क्या मतलब कि मेरा घर बेच जाएगा छाया फूट के निकलेगा? इतनी बढ़िया खुराक डालनी पड़ेगी, सेवा करनी पड़ेगी। और पानी ये लगती है 15 जून से और 15 अगस्त तक, तो आपने ऊंची जगह पे लगानी पड़ेगी, ठीक है? यानी कि बरसात का मौसम होता है। इस बार क्या हुआ, मेरे साथ लगा दी मैंने, और यहाँ बारिश में जो 15 जून को लगाई थी, बारिश आई तो मरगी, दोबारा फिर लगाई एक एक दो दो फुट की, फिर मरगी, फिर मैंने 15 अगस्त को लगाई थी, इसीलिए लेट है, मैंने इसीलिए आपको थोड़ा लेट बुलाया, ठीक है ना? ये देसी घिया है और बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने अरबी भी देखी है भाई, आपने गोभी भी देखी है, आपने 3 रंग के आलू भी देखे हैं, काला लाल अपना नॉर्मल आलू है तो सा, और भाई तमने नींबू भी देखे है, इजराइल तक यू नींबू आया है, यू नींबू यूं को नहीं आया था भाई, जाज में यू आया था दंदन का रूप में, नहीं जब मैं एयरपोर्ट पे अंदर जान लगा फिर तो मैंने रख लिया अपने सूटकेस में, इसमें जो हैंडबैग था उसके अंदर रख लिया मैंने इसको। हाँ जी हाँ जी, ठीक ठीक ठीक, लावा ताऊ के चलाकी तक काम ले गया पूरा, जुगर रह गया यूं हैं। और इसके बाद दिखाता हूँ मैं आपको वो जिमीकंद सूख चुकी है, ऊपर से पौधा नहीं दिखता जिमीकंद का, परंतु मैंने एक पौधा उखाड़िया है, उसमें फिर मैंने इसको धो भी लिया। ये 3 किलो 700 ग्राम वजन की वो है जिमीकंद। अच्छा, 3 किलो 700 ग्राम। ये जो लोग अंडा खाते हैं ना, अंडा खाने की जरूरत नहीं है, और इसको खाओ, इसमें एक हिस्सा ये और 2 हिस्से आलू डाल लो या उसमें मटर डाल लो, ये ज्यादा गर्म होता है, ठीक है? अंडे खाने की जरूरत नहीं, इतना गर्म होता है कि आप 2 ही महीने खा सकते हो इसको। जनवरी दिसंबर। हाँ जी, ये गर्म होता है, ठीक है? ये जब गर्मी आ जाती है अपने आप सड़ जाता है ये। अच्छा। बाहर रखा रखा इतनी गर्मी होती है इसके ठीक, अंदर। ठीक, हाँ जी, हाँ जी। तो एक बात है, कितने पढ़े लिखे हो? मैं तो 8वीं पास हूँ भाई, ये ABCD भी नहीं जानू था, मैं तो खेती करने लग गया था, 5वीं क्लास में हल बाण सीख लिया था और खेत में ही काम करेगा था, लूक छिप के। पिताजी नहीं चाहते थे भी खेती करे, परंतु मेरा ये इच्छा थी कि मैं खेती करूंगा, रिकॉर्डर किसान बनूंगा, तो मेरी वहाँ से। अच्छा, हाँ क्या, जी। क्या रिकॉर्ड है अपने करता करता के मेरे 16 लिमका बुक में रिकॉर्ड है, लिमका बुक में, और 215 सर्टिफिकेट है मेरे पास स्टेट लेवल के। अच्छा। यूनिवर्सिटियों के, पंजाब यूनिवर्सिटी और हरियाणा यूनिवर्सिटी के क्रॉप कंपटीशन के। तो मेरे को तो जब खुशी होती है जब इनाम कुछ ना मिलो, परंतु जब फर्स्ट आते हैं तो उसमें बहुत खुशी हो जाती है, मेरी 1 साल और उम्र बढ़ जाती है। ठीक है, मतलब आप इधर आओ, आपको मैं दिखाता हूँ। ये मूली लग रही है। अच्छा, मूली, ये मूली की वैरायटी एक ऐसी है, ये 3 महीने तक पकती नहीं है। अच्छा, देखो मोटी भी कितनी है, आप देख लो। हाँ, 3 महीने तक भी पकती नहीं है। 3 महीने तक न्यू की न्यू रहेगी। अच्छा, 3 महीने तक पकेगी नहीं, मोटाई तो पकड़ेगी। अच्छा, पकेगी नहीं है। या कितनी मोटी होगी? ये 2-2 फुट की हो जाएंगी। अच्छा, 2 फुट तक चली जाएगी, ऊपर तक आएगी भी। अरे, चौड़ाई इसकी, चौड़ाई इतनी मोटी हो जाती है। अच्छा, इतनी जैसे ये गया ना यहाँ से, इतनी मोटी हो जाती है। ये तो मैं लेता रहता हूँ, इसका बीज नहीं बनाता। अच्छा, हाँ, ये तो लेता रहता हूँ मैं। इसका नाम है माइको बाइस है। माइको बाइस ने भी इस कंपनी ने इसका बीज बेच दिया। अच्छा, मतलब किसी से दूसरी कंपनी को दे दिया। तो टोए से बड़ी मुश्किल करनाल से मिला मैंने इसका। अच्छा। इसमें यही खासियत है कि पकती नहीं है जल्दी, पकती नहीं है जल्दी। मूली दुनिया ने बनाई है, परंतु माइको बाइस के बराबर कोई मूली नहीं है। अच्छा, ठीक है, बात है। देसी भी है तो देसी से ज्यादा बढ़िया ये, देसी से ज्यादा बढ़िया, ठीक है, बात है। आपने बैंगन देखा होगा, काला पीला लाल। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। आपको मैं आज सफेद बैंगन दिखाता हूँ। सफेद बैंगन। अच्छा लावा, जिंदगी में आप लोग भाई पहली बार सफेद बैंगन देखने लग रहे हो गए। यार देखो ये सफेद बैंगन है, 1 फुट तक का लंबा है। अच्छा, यू बैंगन है सफेद है? बैंगन है सफेद, कमाल है भाई। सफेद बैंगन देखो, एक नहीं है, कई है। पहले जाना था इसमें, मैंने सफेद बैंगन करते लाए तो मैंने उधर से पौधा उखाड़ करके इधर लगाए, 2 पौधे हैं इसके सफेद बैंगन के, उधर लगाया था, उधर मैंने पौध बोनी थी प्याज की, फिर मैंने इधर लगा दिया, ठीक है। और ये टमाटर है दिखा दे भाई, टमाटर दिखा दे। ये सफेद बैंगन या लग भी रहे हैं? आप इधर आओ, देखो इधर दिखा भाई, कर लग भी रहे हैं। अच्छा, तो एक बात बता, ये सफेद बैंगन का अपना देश की है और उकड़ी नहीं? अपने देश की है। अच्छा, अपने देश में बहुत कुछ होता है। अच्छा, साइंटिस्ट हमारे देश के साइंटिस्ट अच्छे हैं, अच्छे काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है। साइंटिस्टों ने यहाँ पर बहुत कुछ किया, क्योंकि जब मैं खेती करने लगा 1972 में, जब हमारे खेतों में जब हमारी देसी गेहूँ थी 20 मण के करीब निकलती थी, 15 मण 20 मण, और गेहूँ तो आ भी गई थी 66 के बाद, गेहूँ तो लिगड़ी भी है 40-45 मण, पीपी 18 कल्याण
सोनालिका ये विदेश की थी, ये निकली हैं, परंतु धान नहीं थी। और धान मेरे को 1975 में बीज मिला, पहले 10 मन 15 मन किले की निकलती थी। मेरे को जाया वरायटी का बीज मिला 3.5 किलो, कटक से आया था, कटक इंडस्ट्री से, और वही पहली बार 70 मन निकला था मेरा। अच्छा। वही 1 एकड़ में 3.5 किलो 1 किला में लग गया था और 70 मन निकली थी। और नहीं 10 मन 15 मन कहाँ, 70 मन कितना अंतर है देखो। साइंटिस्ट के बिना यहाँ कुछ नहीं है, साइंटिस्ट ही साइंटिस्टों की वजह से हम यहाँ आज जिंदा है। ठीक है, देख लो आपने घी अभी देखी है, आपने दौड़ा कलर आता है ला भाई, ध्यान मार भाई इस घी पहले देख ला भाई, ये 5.5 फुट के करीब, 5.5 फुट के करीब किया भाई, और 6 फुट की भी दिखाऊंगा आपको मैं। 6 फुट की भी, बिल्कुल 6 फुट की इंदी देखी भी है, 6.25 फुट की भी देखी है इंदी, पतली पतली रहती है। हां आपको मैं मोटी भी दिखाऊं, पहले टमाटर का पूरा हो गया। हां 1 मिनट, टमाटर पूरा नहीं हुआ मैं आपको दिखाता हूं। अच्छा इधर आओ, इसमें बीच में रहते रहिए, देखो मेरा कोई याद नहीं रहती बातें। आ जाओ आपको और चीज भी दिखाऊंगा मैं, आराम से निकलियो। बिल्कुल बिल्कुल आराम तमाम। ये क्या कह रखे हैं ये झाड़ी सिया? झाड़ी ये टहनी काट काट करके लगा रखी है मैंने। अच्छा टमाटर नीचे गिर जाता है। अच्छा, और नीचे गिरने से टमाटर जमीन के जब लग जाता है ना वो सड़ जाता है। ठीक है बात, तो ये भी इसके अंदर फंसा रहेगा ये टमाटर इनमें, और फंसने से एक भी टमाटर निकलेगा। ठीक ठीक ठीक। और इधर देखो आप टमाटर देखो गुच्छे में लगता है, दिख गया आपने गुच्छे में लगा। और इसमें अगर जल्दी पकाना है ना, इसमें क्या करूंगा मैं, इसके ऊपर का तरपाल डाल दूंगा, पॉलीथीन वाली सफेद जिसमें को आदमी परली तरफ दिखे, दूध जैसे नहीं पानी जैसी, पानी जैसी वो डाल देंगे इसके ऊपर, जल्दी पकने शुरू हो जाते हैं। इसका क्या मैटर, उसका क्या रीजन है? वो गर्मी देगा इसको, गर्मी में, ऐसे गर्मी, गर्मी महसूस, इसको गर्मी महसूस होगी। ठीक है, और गर्मी में जल्दी पकता है टमाटर। ठीक ठीक। और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि हमारा जो ये पौधा दिखता है आपको, चना उनाट गया था, चना और मटर के क्रॉस से ये बनाया, इसको बोलते हैं बाकला। बाकला हाँ। अच्छा। और ये 1 एकड़ में 40 मन के करीब निकल जाता है ये। अच्छा। और इसमें इतने प्रोटीन होता है कि इसी इतना प्रोटीन किसी चीज में नहीं है। अच्छा बाकला के चीज मतलब सब्जी बनाए इसकी, हाँ, इसकी मटर की तरह, मटर से बड़ा पत्ता होता है इसका। अच्छा इसकी फली आनी शुरू होगी, ओ है मटर ले ले। हाँ मटर ही है मतलब, ये भी मटर की तरह लगती है, अभी नहीं आई फूल, दाने लग रहा मटर की तरह। हाँ देखो फूल आ रहा है, देखो आप ये फूल आ रहा है, बिल्कुल फूल आ रहा है। और अब इसकी फली बननी, जब मटर खत्म हो जाएगा ना तब चलेगा ये, तब चलेगा। ठीक है हाँ जी हाँ जी। अच्छा अच्छा, ये इसको ये बहुत बढ़िया इसकी, और ये शुगर फ्री है, शुगर फ्री है, इसमें शुगर नहीं है। ठीक ठीक ठीक। उसके बाद दिखाऊं मैं आपको, एक मिनट पहले लौकी दिखाऊं, क्या दिखाऊं? लौकी दिखा दे उसके। हाँ लौकी दिखा दे, लौकी दिखाऊं मैं आपको सबसे। लौकी तो अपने नहीं ली मेरा हफ्ता नहीं, नहीं और कर ले, सारी कवर कर रही है, मैं बताऊंगा आपने। अच्छा। आप कहते अभी पतली है, ये मोटी भी दिखाऊंगा, आप उरा आ जाओ भाई थोड़े दो। ठीक ठीक ठीक, यहाँ आ जा, इतनी लंबी फ्रेम मत बना देता हूं। बात सुनो, ये देखो कहते भी पतली पतली है, आप देखो कितनी मोटी है, ये 6 फुट की है, देखो 6 फुट देख लो भाई, भर जाता हूँ इसका, ये 6 फुट की है, 6 फुट की यार, मोटी भी अच्छी है, देख लो भाई। आप इसको ऐसे लेकर दिखकर तरवाओ फोटो, आप बिल्कुल बिल्कुल फोटो तरवाओगे इसका, इसमें दिखाओ लोगों को आप, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। जैसे इंटरव्यू लेते समय उसमें फोटो बनवाती थी, ये इतनी लंबी है, 6 फुट की है, 6 फुट ठीक है। और इसका वजन होगा कम से कम 15 किलो वजन है इसका। ठीक ठीक। और इसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको, ये तो मटर तो आम बोते हैं लोग, 15 किलो वजन है इसमें। हाँ 15 किलो जी, 15 किलो, 20-20 किलो की भी हुई है मेरे पास। अच्छा 20-20 किलो की, ये कुक कर इनमें वजन बहुत है। अच्छा हाँ जी, इसमें समय से पानी देता हूँ मैं इनको, बिल्कुल वजन है इनमें। हाँ जी, इसमें इसके बाद दिखाऊं मैं आपने, ये तो पनीरी है प्याज की, पनीरी। अच्छा प्याज, किसानों को ऐसे पनीरी बोनी चाहिए भाई, 3 ही लाइन दिखाइए बस। ठीक है, किसानों को लाइन में पनीरी बोनी चाहिए ऐसे। ठीक है, अगली बात में बोई थी मैंने। अच्छा अगली बात, बीज खराब निकले था। ठीक 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 ठीक। और अब दिखाऊं मैं आपने, ये ब्रोकली है, ब्रोकली क्यों आयो? ब्रोकली है हरी गोभी। अच्छा हरी गोभी, ये हरी गोभी है। अच्छा। और इसका खाने का बहुत बेनिफिट है, इसको सलाद में भी खाओ, सब्जी भी खा सकते। अच्छा। हैं हरी गोभी की, वैसे अच्छी नहीं लगती दूसरे को देखने में, परंतु इसके बेनिफिट ज्यादा हैं। अच्छा, ये कैंसर वाले को भी खानी चाहिए, जिसको कैंसर है उसको इसकी सब्जी खिलानी चाहिए। अच्छा ठीक है, जिसमें रोकथाम करती है ये। हाँ जी हाँ जी ठीक है ये। और इसके बाद है चुकंदर जी, चुकंदर, ये चुकंदर है आपके सामने, और चुकंदर भी किसान ने, हर एक ने बोना चाहिए, और बिना चुकंदर
के कोई फायदा नहीं किसानी खेती करने का। चुकंदर और अपने खेत में बगीची और सारी किस्में की हल्दी लगानी चाहिए किसान ने। अपने घर का सामान सारा अपने घर पर ही पैदा करना चाहिए किसान ने। वो किसान है, वो किसान है। इसके बाद दिखाता हूँ मैं आपको, आप इधर आ जाओ। ये लहसुन है जिसमें मैंने लिमका बुक में रिकॉर्ड बनाए 2 बार। ये देखो ये लहसुन है, याद नहीं है, ये लहसुन है लहसुन में, और ये पहाड़ी लहसुन है। अच्छा, और इस बार मुझे उम्मीद है कि मैं 700 ग्राम क्रॉस करूंगा। अच्छा, 700 ग्राम का एक लहसुन। हाँ, अगर मौसम सही रहा मौसम पीछे रहा। तक ठीक है। अगर मौसम गर्म रहा तो फिर नहीं। जो ये मेड पर लगी हुई है ना, इसमें ज्यादा बड़े बनेंगे। अच्छा अच्छा। और मैंने एक चीज और देखी है, किसान सब्जी क्यों नहीं लगाता? सब्जी में खरपतवार बहुत होते हैं। ठीक है, बताओ। तो आप देखो इसके अंदर मैंने बड़के पत्ते डाल रखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यह चीज भाई प्रॉपर ध्यान दे, दिखा दे भाई, ये दिखा दे। बड़के पत्ते कैसे डाल रखे हैं इसमें? इसलिए डाल रखे हैं भाई, इसमें खरपतवार ना उगे। अच्छा, खरपतवार नहीं उगने देता, और इसका खाद भी बनेगा और खाद भी लगेगा इसका, खाद भी लगेगा इसका। और मैं आपको बिना उसका भी दिखाऊंगा लहसुन, बिना उसके बिना पत्ते का भी दिखाऊंगा और पत्ते वाला भी दिखाऊंगा उसमें कितना अंतर है। हाँ जी, इस आ जाओ भाई, इसने तोड़ फोड़ का अपनी एक सार कर लिया फिर बाद में, क्योंकि कहीं कुछ है कहीं कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल, आ जाओ आप, दोनों जाना पड़ा आगे तो। अच्छा, एक वैरायटी है आलू की, ये लेट वैरायटी है, ये लेट वैरायटी है। अच्छा, और इसी में वहाँ तक इसमें काफी 20-25 आलू एक ही ओड़ी में 20-25 किलो आलू निकल जाता है। अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी, ठीक। आओ ले भाई, कली कली चीज आप लोग दिखाने लग रहे हैं भाई। तरता दोली बैंगन भी दिखाई है, तरता लाल आलू भी दिखाया है, तरता काला आलू भी दिखाया है। इधर देखो, ये धनिया है, इसकी खुशबू देखो आप। एक मिनट, ले भाई इसकी खुशबू देखा है, इसकी खुशबू देखो, खा के देखो आप इसको, खा के देखा, खा के देखो, खा लो इसमें, खा के देख भाई तुम भी, खा के देख कितना स्वादिष्ट है। ऑर्गेनिक है ये, बिल्कुल बिल्कुल ऑर्गेनिक है, बहुत ठंडी तो रेता तो चढ़ रहा है इसके ऊपर भी, तो कोई बात नहीं, रेता तो चढ़ जाएगा रहे। अच्छा, मैं अंदर आदमी पूरा पानी छोड़ दिया, लग जाओ रेता, ठीक है ना। इसके बाद ये आई सौंठ, सौंठ सौंठ तो कहते हैं अदरक से सौंठ बनती है। अदरक से सौंठ नहीं, मैंने पाट कर रख रखे दो खींच के पास ही। ये देखो इसकी खुशबू भी दिखाऊंगा आपने तोड़ के। लोग ये कहते थे हैं भाई नहीं ये तो हल्दी है, हल्दी नहीं है, मैं दिखाऊंगा आपको। अच्छा, आप सूंघ के देखो, अगर सौंठ की खुशबू ना हो तो फिर मेरे को किसान ना कहियो। ठीक है, बात ठीक है ना। ये देखो आप सूंघ के, सौंठ की खुशबू है कि नहीं? बिल्कुल है, देख भाई सौंठ की खुशबू है कि नहीं? सुखानी पड़ती है, इसको सोधना पड़ता है। अच्छा, फिर इसको कली चूना के अंदर सोधना पड़ता है, फिर सौंठ बनती है इसकी। अच्छा, और कली चूना का ये नहीं पता भी कितना इसमें कितना डालते हैं। हमने कई लोगों से पूछा, बताया नहीं उन लोगों ने। काम हुआ सौंठ का, सौंठ सर्दियों के अंदर जिसको गर्म सर्दी लगती है ना, उसको पहले काढ़ा बना के देते थे सौंठ। ठीक ठीक, सौंठ का काढ़ा बना के देते थे, और जो जचा होती है जिसका बच्चा होता है उसको भी सौंठ उसमें इसके खाने में मिलाते थे। ठीक ठीक ठीक, ये शरीर की पूर्ति पूरी करती है, पूरी करती है। जो पहले बुजुर्ग थे, हमारी माता थी, बहनें थी, जो हमारे से बड़ी बुआ थी, वो लोग सारे सांदना, जो बच्चा होता था उसको सांदना बनाते थे घी का, तो उसमें खांड का भी बोलते हैं, कहीं सांदना बोलते हैं, उसके अंदर डालते थे सारी चीजें। और जो आजकल की लड़कियां वो नहीं डलवाती इन चीजों, वो कहते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता, अच्छा सौंफ नहीं डालती, अजवाइन नहीं डालती, न सौंठ डालने देती, क्योंकि इनका उनको तो सिर्फ मीठा का स्वाद चाहिए, मीठा स्वाद। ठीक है, बात आ जाओ। ले भाई देख लो, कली कली बात ज्ञान की, ताऊ पूरा ज्ञान का भंडार है भाई। जो आप कह रहे थे कि आपने ये जैसे जीवामृत होता है ना, जीवामृत जिसे खाद बनता है, पौधे को ताकत मिलती है। ठीक है ठीक है, आजा भाई। जो आपने देखा इतना कच्चा खड़ा है वो आलू, और इतना बढ़िया लहसुन खड़ा है, वो इसमें क्या किया हमने? अच्छा, मैं दिखाऊंगा। इसमें 2 लीटर गाय की लस्सी है, देसी गाय की, 2 लीटर गाय की लस्सी इसमें, 2 लीटर देसी गाय की लस्सी है। अच्छा, और एक इसमें 1.5 लीटर 1.5 किलो इसमें देसी गुड़ है। अच्छा, और 1.5 किलो इसमें बेसन है, चने का। अच्छा, देसी बेसन, देसी चने का बेसन, वो बना के इसमें डाल करके और हमने इसमें 15 दिन ऐसे घुमाया। अच्छा, और इसमें खुशबू देखो आप,
बिल्कुल कोई बात नहीं, देखो इसमें खुशबू आती है इसके अंदर, और ये हमें पतली सी नाली लगा के फ्री तो एप्पल इसमें, और तो पानी होगा इसमें लगभग। हाँ सारा पानी है। अच्छा ये तैयार हो जाता है? ठीक 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 ठीक, ये बन के 15 दिन में तैयार हो जाता है। और इसको हम जब नाली का पानी चलाते हैं ना सब्जी में, उसके ऊपर एक लेवल वाली नाली है छोटी सी, ठीक है मैं दिखाता हूँ एक मिनट, यही खड़े हो। मैं समझ गया था वो आपकी बात। पतली नाली होती है यहाँ रख रखी है मैंने, एक मिनट यहाँ टूट, सर्दी है ना टूट जाएगी, एक मिनट रुको। यही दिखाऊंगा पूरा मिट्टी है, कली कली बात नहीं, ऊपर तरीका समझाने लग रहा है। ये नाली है, ये डालते हैं और इसमें चला गया इसका पानी, और उसके पानी के अंदर मिला देते हैं, उस नाली के ऊपर बांध देते हैं, ठीक है ना। तो ये बांध देते हैं और बांध के इसमें चलता रहता है पानी, जितने में फिर गया उतने में जमीन फोकी होती है और उतनी ज्यादा खाद लगता है इसका, ये है ठीक है बात। और इधर मैंने उसी पौधे से तैयार किए हैं नींबू, ये देखो नींबू के पौधे तैयार किए हैं और इसके ऊपर फूल आ गया अभी से, ठीक है। ये 2 महीने लगाए मैंने, अक्टूबर में लगाए थे, ठीक है, और इसके पौधे तैयार हो गए। और मैं बाहर चला गया था, पौधे तो बहुत तैयार होते, मैं हैदराबाद चला गया था किसी कॉन्फ्रेंस में, अच्छा, तो उसमें ये खराब हो गए, तो पीछे से फंगस आ गया इसमें, ठीक है ना। और घर तो, घर के कौन से मरते नहीं, घर का कोई लड़का बाहर में बात में बदली हो रही है, अच्छा अच्छा, वो दूर रहता है, ठीक है ना, उधर वो प्रिंसिपल है, उस पर बेचारी भी इतना काम नहीं बनता, उसने काम नहीं किया कभी भी, ठीक है। तो और एक लड़का मिलिट्री में है, एक किसान की सेवा करता है, देसी सेवा करता है, दो लड़के हैं, दिखा दे भाई करके, ये देखो कुकर पड़ी है, देखो आप इधर देखे बड़ी बड़ी भी दिखा हुई है, लोग की देख लो भाई, इसके ऊपर कुकर पड़ी है भाई, कली कली चीज आप तक समझाई है, कली कली चीज आप लोगों ने देखी है। ये मैं हल्दी दिखाऊंगा आपने, हल्दी ये पंजाब नंबर वन है, अच्छा मेरे पास 9 वरायटी हल्दी की है, ठीक है, 9 वरायटी है, पंजाब नंबर वन है, पंजाब नंबर टू है, राजापुरी महक है, पंत पिताब है, एक मेरी स्पेशल हल्दी है फुटों के हिसाब से होती है, और भाई एक हल्दी है मेरे पास, उसको आमा हल्दी बोलते हैं, ठीक है, आमा हल्दी है, और 3 वरायटी मेरे पास काली हल्दी की है, हाँ किसी भाई ने लेनी है तो मेरे पास उसका बीज उपलब्ध है, मैं अपने फार्म से ला के दे दूंगा, ठीक है। यहाँ तो सिर्फ दिखाने के लिए, दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, ठीक है ना, आ जाओ ला भाई, आप तक कल निकली चीज दिखाई, और भी रह गया था मैं, बहुत कुछ रह रहा अभी, अभी क्या आ गया, अच्छा हाँ भाई इधर ही आ जा, इधर ही आ जा, देखिए देखिए देखिए, स्पेशल लाल दिया या? आप इधर आओ एक बार, ये लहसुन के बारे में कह रहा था ना मैं, इस लहसुन की क्यारी में, एक मिनट में बताता हूँ, इस लहसुन की क्यारी में मैंने 2 बार गुड़ाई करी, इसमें खरपतवार है, और इसमें 2 बार गुड़ाई करने के बाद भी ये कमजोर है, इसमें एक भी गुड़ाई नहीं करी, इसमें पत्ता डाल रखा है, पत्ता डाल रखा है, मल्चिंग कर रखी है, और मल्चिंग में देखो इससे अच्छा खड़ा है ये, बिल्कुल खुदाई वाले से अच्छा खड़ा है, बिल्कुल खड़ा है ना, खड़ा देख लो भाई, और खेत ताकतवर बनेगा इससे, जो मल्चिंग की है इससे खेत ताकतवर, नीम का पत्ता तो सबसे बेस्ट है, उसमें तो डिमक भी नहीं आएगी, अच्छा नीम का पत्ते में देख लो, तो यू है बिना पत्तिया का, हाँ जी, और यू है पत्तिया देख लो, अंतर देख लो, हमें खुद बता दोगे इस चीज ने भाई, बहुत अंतर था अभी इसमें तो। देखो कितना अंतर है इसके अंदर, बिल्कुल है, आगे अच्छा, चलो आप और आगे आ जाओ, मैं आपको काली हल्दी दिखाऊंगा, अच्छा काली हल्दी, हाँ जी मैंने खोद के धो के थोड़ी थोड़ी रख रखी है, लाले फिर यूं कहे जो करे तो नहीं कहेंगे पीले हाथ करवा दे, यूं कहे काले हाथ करवा दे, अच्छा तो मैं आपको दिखाऊंगा काली हल्दी, एक जगह मैंने उसमें देखी थी, उसमें आई हुई थी, ये काली हल्दी है, अच्छा काली हल्दी है, हाँ इसमें रेशे अंदर भी काले हैं, दिखाऊं मैं तोड़ के आपको, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, ये इसमें देखो काले काले रेशे हैं, इसमें काले रेशे, काले रेशे हैं भाई, काले रेशे हैं इसके अंदर, ये काली हल्दी है, काली हल्दी है, और पीली हल्दी तो आपको 100 से लेके 120 रुपए तक मिल जाएगी कच्ची, हाँ, हाँ, हाँ। और ये आपको 600 रुपए भी नहीं मिलती, अच्छा इतनी महंगी है, ये कैंसर की दवाई में काम आती है, अच्छा काली हल्दी भी ताऊ ले रहे हैं भाई, और बेर भी लग रहे हैं भाई, अच्छा जो आप कह रहे थे ना पीली पीली, ये पीली हल्दी है, पंजाब नंबर टू है ये आने वाली, और आप कह रहे थे भाई पीली पीली हल्दी, एक मिनट में पीली हल्दी दिखाता हूँ, ये मैंने थोड़ी सी उखाड़ी थी, ठीक है, और धो रखी है ये, और इसके जहाँ लग जाएगी ना ये वहाँ पीलापन नहीं जाएगा, अच्छा अगर कपड़ा के लग गई तो कपड़ा भी, और मैं हाथ आपके हाथ पे लगा के दिखाता हूँ, एक मिनट, ये पीलापन 2-3 दिन नहीं उतरता इसका, अच्छा हाँ जी 2-3 दिन तक साबुन से रगड़े जाइयो, सूखने के बाद आप 2-3 दिन नहीं उतार सकते, इसमें
ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, इसमें खुशबू है। अच्छा, आप देखो कितना पीड़ा है जी। बिल्कुल 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 है ना, ये पीड़े हाथ तेरे दो। लाए भाई देखे। हाँ बिल्कुल, ये ऐसा है इसका खुशबू देखो इसमें। बिल्कुल खुशबू है, एक नंबर की जमा जरूर है रही हूँ। वाह जी वाह, देखो ये खुशबू छोरे तो भी खुशबू है इसके अंदर। खुशबू, वाह जी वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। इसके बाद में आपको दिखाऊं, एक मैं जंगल में से हल्दी लिया था देहरादून के जंगल। अच्छा? से एक ही गांठ पाड़ के लिया था, क्योंकि मेरे को वहाँ वो देहरादून के जंगल में से लिया था, मेरे को जंगल में से फॉरेस्ट्री वाले रोक भी रहे, भाई यहाँ चीते हैं, आपको चीते खा लेंगे, ठीक है ना। तो फिर वो नहीं बोले भाई यहाँ ना आप अंदर बढ़ो। मैं अंदर में बढ़ के और एक गांठ ही पाड़ के लिया था उसकी, और वो दिखाता हूँ मैं, वो है काली हल्दी पेवर। अच्छा, वो काली हल्दी मैंने इसमें तो इस बार जितनी जगह मैंने दिखाई अब तक, इसमें तो पानी भर गया था बारिश का गोडा गोडा, ठीक है। और ये गोडा की वजह से इसीलिए जल्दी ये पक गई, क्योंकि पानी की मार थी। अब मैं दिखाऊंगा, लगती सफेद है ये, सफेद लग गया, ठीक है, सफेद लगती है ना। और ये है काली हल्दी, वैसे सही ओरिजिनल काली हल्दी ये है। अच्छा, और ये एक पेड़ में से दो दो किलो डेढ़ डेढ़ किलो निकल आती है। अच्छा, सबसे ओरिजिनल तो ये है। अच्छा, ये देखो इसका वजन कितना है। इसका वजन है 1 किलो 960 ग्राम। अरे इसमें तो जुगरा पाजी ले कोट काट का करेंगे जिसका पेपर हल्दी। देखो जी वो तो बहुत सूख जाता है, वह तो फिर कम लिखेगा। हाँ, इसमें से लगभग 200-300 ग्राम तैयार होकर मिलेगी। हाँ, तैयार होकर, और उसकी कीमत भी समझ कई हजारों में। हाँ, तो ये है सफेद, ठीक है। और इसके बाद में आपको दिखाता हूँ, सफेद पक चुकी है ये। सफेद वाली पक, ये सफेद नहीं है वैसे, काली है, वो सफेद लगती है। ये देखो उधर ये सूखी पड़ी है, सूखी पड़ी। और ये 8 फुट तक इसके पौधे बढ़ गए थे, 8.5 फुट तक इसके, देखा है 10 फुट इसका, एक फुट की फैसला रह गया था, इतनी बढ़ गई थी ये, क्योंकि यहाँ फलड़ का पानी नहीं है। बाकी में यहाँ फलड़ क्या मतलब, बारिश का पानी, वहाँ यहाँ ज्यादा पानी खड़ेगा, ज्यादा बारिश थी। ये है ये सिस्टम। आओ, और ये है बेर, देखो आप गुच्छे में लग रहा है, गुच्छे में लग रहा है। हाँ। ये भी मीठा बेर है, गे मीठा बेर है, अभी मीठा नहीं होया, ये जाके फरवरी में मीठा होगा, ठीक है। सबसे पहले पकता है, इसका नाम है थाईलैंड एप्पल। थाईलैंड, अच्छा, थाईलैंड का है ये, ग्रीन एप्पल भी बोलते हैं इसको और थाईलैंड एप्पल भी बोलते हैं। अच्छा, यू भी थाईलैंड रह जाएगा। हाँ, नहीं थाईलैंड यहाँ मिल जाता है इंडिया में बहुत। अच्छा अच्छा, कहीं से ले लो आप, ठीक है। ले भाई, तमने थाईलैंड एप्पल भी देख लिए, तमने आज बेरा निक के देख लिया, मैं वो कनगर चीज भूल गया, तो सीताऊ जी दिखाना लग रहे हैं, गंडा भी लग रहा है। और मैं आपको दिखाऊंगा फिर, ये देसी आलू है, बिल्कुल जो देसी उसको बोलते हैं, जो हर साल बोया जाता है। अच्छा, उसको देसी बोलते हैं, और जो एक बार होता है उसको हाईब्रिड बोलते हैं। अच्छा, वो दोबारा नहीं जमता, मतलब जम जाता है तो उसको फल नहीं आता। तो दिखाऊंगा मैं इसमें, इसमें मैंने ये जगह खाली थी चौमासे में, ठीक है, और इसमें मैंने दो पल्ली पत्तों की खोल दी थी, ठीक है, और इसमें इतना बढ़िया मतलब खाद बनिया इसके अंदर, वो जो मैंने आपको वो दिखाई थी जिमीकंद, वो यही उगाई थी मैंने, वहाँ उखाड़ी थी। एक पौधा का नीचे था, दो निकली मैं, वैसे एक ही निकलती है, दो निकली। एक तो वो 3 किलो 700 ग्राम की थी, एक 1.5 किलो की, और मैं दिखाऊंगा आपको वो। और अब दिखाता हूँ मैं इसमें से आलू, आपको ठीक है। लाभ आलू देख लो भाई, पूरा ऑर्गेनिक आलू दिखाऊंगा। अच्छा, यहाँ छाम रहती है, छाम में छोटे बनते हैं। अच्छा, एक मिनट, छाम में ज्यादा बड़ा नहीं होता है। हाँ हाँ हाँ, यहाँ छाम है, ठीक है, परंतु है ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ये जहर नहीं है इसके अंदर। अच्छा, हाँ जी, ये देखो छोटे हैं अभी। हाँ हाँ, छोटे रेट तो लगाए थे। हाँ हाँ, छोटे हैं, है ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक है, ठीक है। इसमें कोई चीज रसायनिक की या स्प्रे कोई चीज नहीं है, कोई चीज नहीं है, ठीक है। असल में तो हम कोई स्प्रे करते नहीं, अगर करते हैं सिर्फ नीम की दवाई का, नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं, साल में एक बार जरूरत पड़ती है, वो भी अप्रैल के महीने में, ठीक है। नहीं कोई जरूरत नहीं पड़ती, उस टाइम सुंडी शांडी हो जाती है, जो बरसीन में सुंडी होती है ना, सुंडी होती है, वो होती है, उसके लिए जरूरत पड़ती है, नहीं कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और उसको वो मारती नहीं है, उसको लूंज बना देती है, लूंज बना देती है, और लूंज बनने के बाद फिर उसमें वो नहीं मतलब पनप नहीं पाती आगे, खा नहीं सकती, और भूखी अपना मर जाती है। अच्छा, नहीं मोहल से, ठीक ठीक ठीक। ला भाई कली कली चीज। अच्छा जी, ठीक है जी, आपके पास आएगी ये भाई। ये देखो 1.5-2 किलो की है ये, ये इस लाइन में सारी में ये। अच्छा, जिमीकंद है, लावा अमरूद भी लग रहे हैं यू। हाँ, अमरूद भी हैं, सारी चीजें देखो, ये देखो आप इधर, ये जिमीकंद है, जिमीकंद है, ठीक है। हाँ, ये जिमीकंद है, इसकी कीमत है 1 किलो की 60-70 रुपए है। अच्छा, मार्केट में, ठीक है, बात ठीक है ना। अगर किसान एक क्विंटल उगा दे तो कितने की होगी, 6,000 की, 6,000 की। किसानों को ये काम करना चाहिए, काम करना, और ये बाहर रहेगा खराब हो जाती है, इसको मिट्टी में ढक के रखना पड़ता है। अच्छा, हाँ जी, ठीक है, बात।
और दो तीन दिन में इसको मुका देना चाहिए इसकी गांठ को। ठीक है, अब इधर आ जाओ आप। ला भाई ताऊ बनाने के अकेल दिखावा चलता है अभी। मैंने कल यहाँ रतालू, ये रतालू लग रहे हैं, ये बेल देखो, ये रतालू की बेल है। हाँ देख गया। ठीक है, रतालू क्यों भाई? इसको अंग्रेजी में याम बोलते हैं। याम, ठीक है। जिमी कंद की गांठ को भी आम बोलते हैं, रतालू को भी आम बोलते हैं, जो जमीन में नीचे पैदा होते हैं ज्यादातर उनको आम बोलते हैं। ठीक है, तो ये बोटनिकल नेम है। हाँ हाँ। और मैंने कल यहाँ पर ये उखाड़ा था। अच्छा। धोया नहीं। अच्छा। कभी दो दिंदा न्यूकंदे हुई है तो आप कहीं से लेके आए। मैं इसीलिए ओरिजिनल आपको यहाँ से दिखाना चाहता हूँ। ये 10-15 किलो का है। ठीक है, 10-15 किलो। हाँ, एक पेड़ के नीचे से। अच्छा, ये देखो, मैं आपके पेड़ थी कि बेल थी? था उसकी बेल थी जी, बेल। अच्छा। पेड़ तो बोलती हैं एक बेल को। ठीक है, ठीक है। एक बेल के नीचे से। हाँ हाँ। ये देखो आपके सामने है ये। बिल्कुल बिल्कुल। इसको रतालू कहते हैं इंग्लिश में, इसको याम बोलते हैं। ये चीज है, इसकी भी सब्जी बनाए? इसकी सब्जी बनती है पनीर जैसी, जैसे पनीर की सब्जी बनती है। हाँ हाँ। और इसका रंग होता है गुलाबी रंग का। गुलाबी रंग है, ये देखो, ये गुलाबी रंग का। गुलाबी रंग है। तो उतना खाइए इसी की सब्जी? हाँ, सब्जी खाते हैं, हर साल खाते हैं हम। अच्छा। मटर में लाल तेल डाल लेते हैं इसको। ठीक, ठीक, ठीक। और इसकी बड़ा स्वादिष्ट सब्जी बनती है। अच्छा। ये 100 रुपए किलो के करीब इसका रेट है। ठीक है, 100 रुपए किलो मिलता है ये। और ये बीज किसी के पास नहीं है, नहीं है, यही मैंने किसानों को बांटा है ये। अच्छा, यू कहता कौन किस होगा पास? यहाँ पर नहीं है, ये भी मेरे को किसी आदमी ने, दूसरे देश से आया था, उसने दिया था मेरे को। आर्य नगर का था एक किसान, उसकी नर्सरी, उसने छोटा सा दिया था मेरे को 100 ग्राम का। और मैंने इसमें यही पिछले साल मैंने 16 किलो 750 ग्राम की गांठ एक पौधे के नीचे से निकला। 16 किलो 750 ग्राम की अब भी पड़ा वो। अच्छा। और इसकी ये बात है कि इसको धूप में रख दे, ये खराब नहीं होता। खराब नहीं होता, ये 6 महीने पड़ा रहो। ठीक ठीक ठीक। परंतु ये छूलने से खराब हो जाता है। छूलने से खराब हो जाता है, ये चीज है जी। तो इधर से शॉर्ट लेना होगी, अगर एक आधा उरों ले लेगा। अच्छा, चलो भाई दिखाते हैं कुछ ना कुछ और चीजें। गन्ना, ये गन्ना। हाँ, गुलाबी गन्ना। ये गन्ना गुलाबी गन्ना। एक मिनट, ये पौधा दिखता है आपको थोड़ा सा? समझे समझे, क्या ये पौधा दिखता है? हाँ, ये पिंक रंग का अमरूद है। अच्छा। और अगले साल इस पे अमरूद लग जाएंगे। अच्छा। हाँ, क्या साल हो गया पेड़ ये? ये 8-1 महीने का है। अच्छा अच्छा। हाँ जी, 8 महीने का, अगले साल लग जाएंगे। ठीक है, बात है। और ये गन्ना है, देखो इसकी पोरी देखो आप कितनी लंबी है। पूरी देखो इसकी कितनी लंबी लंबी है। बिल्कुल, ये 3038 है, पंजाब की वैरायटी है। पंजाब की वैरायटी है ये, पंजाब की वैरायटी है। यही पर 3 वैरायटी है मेरे पास। और ये है काला पोंडा। काला, काला पोंडा, काला पोंडा। हाँ, ये देखो आप, क्या कड़ाई की वैरायटी है, इसकी लंबी भी है। ठीक है, ये भी मेरे को किसी किसान ने दिया था। ठीक है, तो किसान से मैं मोल लेके आया था इसी किसी से। अच्छा। और देखो इसकी लंबी, छोटी छोटी पोरियां का तो बहुत होता है, ये छोटी पोरी का है। ये 2 वैरायटी है और ये लंबी पोरी का, लंबी पोरी का है। ये देखो इसमें कितना अंतर है। इसके बाद है जो हमारे हरियाणा की शान थी, जिसको बोलते हैं मुआनिया गन्ना। मुआनिया गन्ना, मुआनिया गन्ना जैसी शक्कर और गुड़ किसी गन्ना का नहीं बनता। ठीक है। और मुआनिया गन्ना ये है, और इधर आओ, ये इधर लगा भाई, ये मुआनिया गन्ने के गन्ना है। ठीक है, दिख गया आपने ये? हाँ, दिख गया बिल्कुल। ये मुआनिया गन्ना है, इसका चूसने का भी नज़ारा अलग है। हाँ, और इसके गुड़ शक्कर खाने का भी नज़ारा अलग है। इसमें से हमारे विधायक साहब है मेरे पड़ोसी, उन्होंने बोया इस बार, उन्होंने कहा देसी गन्ना है ये। ये पहले हमारे हरियाणा के अंदर मशहूर था। ठीक है। ये कैथल, जींद और इंसार में बोया जाता था ज़्यादातर। ठीक है। और कुछ इलाका कुरुक्षेत्र से तो करनाल में आता था, पूरा करनाल में भी होते थे इसको। हाँ हाँ। इसकी पोरी देखो कितनी लंबी लंबी है। ये देसी गन्ना है। बिल्कुल बिल्कुल। मुआनिया गन्ना बोलते हैं इसको। हाँ। ये बीज लुप्त हो गया। अच्छा, लुप्त हो गया। लुप्त हो गया, ये हमारे बुजुर्गों ने मेरे को दिया था। अच्छा। तो मैंने इसको सांभ के रखा, भाई कैसे भी सांभ के रखो, इसको रखो। हाँ, पर इसमें कोई रासायनिक दवाई नहीं है। ठीक है। और इधर खड़े ये भी मुआनिया सारा। ठीक ठीक। ये भी मुआनिया गन्ना सारे सारे। इसके बाद में आपको दिखाऊंगा केला। केला जो ऊपर पकता है। ठीक है। नीचे नहीं पक, तोड़ के नहीं पकाते हम कभी भी, ऊपरी पकता पौधे के ऊपरी। अच्छा, यू करते हैं, यू कर चल पड़े। आ जाओ, ये चल पड़े नहीं मतलब ऑर्गेनिक के ऊपर है सारी बात। अच्छा अच्छा, मैं यहाँ समझाता हूँ। एक बेरी मेरे पास ये है। हाँ। इसको बोलते हैं कश्मीरी एप्पल। ठीक है। ये लेट पकती है। अच्छा। जब ग्रीन एप्पल खत्म हो जाता है ना। हाँ हाँ। फिर उसके बाद पकती है ये। ठीक है। इसको कश्मीरी एप्पल बोलते हैं।
तो ये बेरी, और यहाँ पर इतना पानी था कि गोटा गोटा पानी खड़ा था। यहाँ जब बारिश हुई एक महीना डेढ़ महीना पानी नहीं सूखा, इसीलिए इस बार ये पौधा भी दब गया। ठीक है, इसीलिए बेर का पौधा भी दब रहा है। हाँ। इस पे पिछले साल इतना बेर नहीं है। हाँ। और इसके बाद दिखाता हूँ जो ऊपर पकता है। हाँ। केला, केला वो केला दिखाऊंगा आपको। ठीक है, आओ मेरे साथ। ऊपर के क्या भी नाम पका केला, इसमें भी मैंने अदरक लगाया था, ये अदरक में पानी की वजह से ये खराब हो गया, इसमें इतना नहीं चला वो। ठीक है, आओ इसमें आपको, छोटी सी जगह है ये। हाँ। इसमें मेरे पास सात गड़ लग रही है, सात गड़ लग रही है। हाँ, ये देखो ये गड़ तो ये रही। अच्छा, दिखती है आपको? हाँ हाँ बिल्कुल, दिखा दे भाई। एक गड़ तो ये यहाँ दिख गया, बिल्कुल दिख गया। एक गड़ वो रही, एक गड़ वो रही। ठीक है, तीन तीन होगी ना। और अच्छा, केला कितने दिन में, मतलब क्या दिन में तैयार हो जाए? एक साल में तैयार हो जाता है ये केला। पे डायक लाए केला, इस केले को आप लगा दो आप। और ये आपको आगे जून उसमें सितंबर अक्टूबर में आपके केला लग जाएगा। पूरा केला कितने दिन में तैयार हो जाए? एक केला, जैसे कि एक केला गड़ लगी हुई है। अच्छा, ये गड़, एक गड़ केले की ये तैयार हो जाती है कोई तीन एक महीने में। तीन महीने में पक्के तैयार हो जाती है। ये लेट लगे इस बार। अच्छा अच्छा, क्योंकि यहाँ बारिश ने बड़े तंग किए। ठीक है। और जी तीन गड़ा दिए थे मैंने आपको। हाँ हाँ, ये चौथा है। चौथा है, ठीक है। ये पांचवा है। पांचवा है, पांचवी है। आ जाओ, आओ मेरे साथ। लावा गड़े गड़ केला, एक केला हो रहा है। और ये छठी है। और सातवीं आओ दिखाऊं, पकने वाली है। पकने वाली है, ऊपर पकाई है। अच्छा, ये देखो जी, ला भाई, ये थोड़ी सी गर्मी आई। हाँ, ये इसमें हम पॉलिथीन चढ़ा देंगे, पॉलिथीन से भी पक जाएगी। ठीक है, ये पकने वाली है, तैयार है बिल्कुल। तैयार है बिल्कुल है। ऊपर पैट तो रहे केला, जो खराब कोई बात नहीं, ये सर्दी की वजह से पट जाता है। एक आधा केला कोई बात नहीं, एक आधा केला तो वहाँ भी पटे आ जाता है। हाँ, बिल्कुल आ जाता है, उसमें भी पटे आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, परंतु ये पक चुका है। अच्छा, ठीक है ना। ठीक है, ये चीज हमें किसानों को ये कहता हूँ, कम से कम अपने घर के खाने के लिए। तो केला पे एकदम सांप रहेगा? नहीं, कोई सांप नहीं रहता, ये झूठी बात है। वैसे ठंडा होता है इसका पानी। अच्छा, और इसके एक चीज और बताऊँ, इसका अगर पत्ता का रस लग जाता है तो कपड़े को खराब कर देता है। इसका और अरबी का दो चीज ऐसी है कि यहाँ तो रद्दी से रद्दी कपड़ा पहन के आना चाहिए। ठीक है ना। ठीक है, इसलिए मैंने नए कपड़े नहीं पहरे। ठीक है बात। तो रद्दी कपड़े पहन के आओ, क्योंकि इनका पानी लगे वहीं से कपड़े खराब है, दोबारा इसका दाग नहीं उतरता। दाग नहीं उतरता, ठीक है बात। ला भाई, उतर रही बात, सच्चाई है, पूरी पूरी पक गई है। एक कैमरा मैन तक हूँ, दिखा दे भाई। ताऊ ने जो बात बोली है भाई, सारी सारी सॉलिड बोली है। और ताऊ बहुत ज़्यादा समझदार आदमी है, दूसरे देशों तक के टूर मारा है। एक बार और मैं अंदर जा गया। ठीक है, अंदर जाएगा आप तभी गिया दिखावांगे। हो गए, देखो ये सफेद बैंगन है, एक फुट तक का लंबा है। अच्छा, यू बैंगन है, सफेद है, बैंगन है सफेद, कमाल है भाई। जो एक बैंगन देखो, एक नहीं है, कई है, कई है। पहले जाना था इसमें मैंने। अच्छा, ये सफेद बैंगन करते लाए तो मैंने उधर से पौधा उखाड़ करके इधर लगाए। ये दो पौधे हैं इसके, सफेद बैंगन के उधर लगाया था, उधर मैंने पौध बोनी थी प्याज की, फिर मैंने इधर लगा दिया। ठीक है, और ये टमाटर है, टमाटर है, दिखा दे भाई टमाटर, दिखा दे। ये सफेद बैंगन या लग भी रहे हैं, आप इधर आओ। देखो इधर दिखा भाई, कर लग भी रहे हैं। अच्छा, तो एक बात बता, ये सफेद बैंगन का अपना देश की है क्या, उर्कड़ी नहीं? अपने देश की है। अच्छा, अपने देश में बहुत कुछ होता है। अच्छा, साइंटिस्ट हमारे देश के साइंटिस्ट अच्छे हैं, अच्छे काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है। साइंटिस्टों ने यहाँ पर बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया। क्योंकि जब मैं खेती करने लगा 1972 में, जब हमारे खेतों में जब हमारी देसी गेहूँ थी 20 मन के करीब निकलती थी, 15 मन 20 मन, और गेहूँ तो आ भी गई थी 66 के बाद। गेहूँ तो लिकड़ी भी है 40 40 45 45 मन, पीपीठारा कल्याण सोनालिका ये विदेश की थी, ये निकली हैं, परंतु धान नहीं थी। और धान मेरे को 1975 में बीज मिला, पहले 10 मन 15 मन किले की निकलती थी। मेरे को जया वरायटी का बीज मिला, 3.5 किलो, कटक से आया था, कटक इंडस्ट्री से। और वही पहली बार 70 मन निकला था मेरा। अच्छा। वही एकड़ में 3.5 किलो एक किला में लग गया था और 70 मन निकली थी। और नहीं 10 मन 15 मन कहाँ, 70 मन कितना अंतर है देखो। साइंटिस्ट के बिना यहाँ कुछ नहीं है, साइंटिस्ट ही, साइंटिस्टों की वजह से हम यहाँ आज जिंदा है। ठीक है, देख लो आपने घी अभी देखी है, आपने दौड़ा कलर आता है ला भाई, इधर ध्यान मार भाई, इसकी पहले देख भाई। ये 5.5 फुट के करीब, 5.5 फुट के करीब किया भाई। और 6 फुट की भी दिखाऊंगा आपको मैं, 6 फुट की भी, बिल्कुल 6 फुट की थी, देखी भी है, 6.25 फुट की भी देखी थी। पतली पतली रहती है आपको मैं मोटी भी दिखाऊंगा। पहले टमाटर का पूरा हो गया। हाँ, एक मिनट, टमाटर पूरा नहीं होया, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इधर आओ, इसमें बीच में रहते रहिए, देखो मेरा कोई याद नहीं रहती बातें। आ जाओ, आपको और चीज भी दिखाऊंगा मैं, आराम से निकलियो। बिल्कुल बिल्कुल, आराम। ये क्या कह रखे हैं, जाड़ी सिया, जाड़ी
झाड़ी दिए हैं, ये टहनी काट काट करके लगा रखी है मैंने। अच्छा। टमाटर नीचे गिर जाता है। अच्छा, और नीचे गिरने से टमाटर जमीन के जब लग जाता है ना वो सड़ जाता है। ठीक है बात। तो इब इसके अंदर फंसा रहेगा ये टमाटर इनमें, और फंसने से एक भी टमाटर नहीं गलेगा। ठीक ठीक ठीक। और इधर देखो आप टमाटर देखो गुच्छे में लगता है, दिख गया आपने गुच्छे में लगा। और इसमें अगर जल्दी पकाना है ना, इसमें क्या करूंगा मैं, इसके ऊपर का तरपाल डाल दूंगा। अच्छा। पॉलीथीन वाली सफेद जिसमें को आदमी परली तरफ दिखे, दूध जैसी नहीं पानी जैसी वो डाल देंगे इसके ऊपर, जल्दी पकने शुरू हो जाते इसका है। मैटर, उसका के रीजन है? वो गर्मी देगा इसको, गर्मी महसूस, इसको गर्मी महसूस होगी। ठीक है। और गर्मी में जल्दी पकता है टमाटर। ठीक ठीक। और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि हमारा जो ये पौधा दिखता है आपको, चना उना अट गया था, चना और मटर के क्रॉस से ये बनाया, इसको बोलते हैं बाकला। बाकला हाँ। अच्छा। और ये एक एकड़ में 40 मन के करीब निकल जाता है ये। अच्छा। और इसमें इतने प्रोटीन होता है कि इसी इतना प्रोटीन किसी चीज में नहीं है। अच्छा, बाकला के चीज मतलब बाकला सब्जी बनाएगी इसकी, हाँ, इसकी मटर की तरह, मटर से बड़ा पत्ता होता है इसका। अच्छा। इसकी फली आनी शुरू होगी। ओ है मटर ले। हाँ, मटर ही है मतलब, ये भी मटर की तरह लगती है, अभी नहीं आई फूल। दाने लग रहा मटर की तरह। हाँ, देखो फूल आ रहा है, देखो आप ये फूल आ रहा है, बिल्कुल फूल आ रहा है। और अब इसकी फली बननी, जब मटर खत्म हो जाएगा ना तब चलेगा ये, तब चलेगा। ठीक है। हाँ जी हाँ जी। अच्छा अच्छा। ये इसको, ये बहुत बढ़िया इसकी, और ये शुगर फ्री है, शुगर फ्री है, इसमें शुगर नहीं है। ठीक ठीक ठीक। उसके बाद दिखाऊं मैं आपको, एक मिनट पहले लौकी दिखाऊं, क्या दिखाऊं? लौकी दिखा जाए उसके। हाँ, लौकी दिखा दे, लौकी दिखाऊं मैं आपको सबसे। लौकी तो अपने नहीं ली मेरा हफ्ता नहीं, नहीं और कर ले, सारी कवर कर रही है, मैं बताऊंगा आपने। अच्छा। आप कहते अभी पतली है, ये मोटी भी दिखाऊंगा, आप उरा आ जाओ भाई थोड़े। तो ठीक ठीक ठीक, यहाँ आ जा। इतनी लंबी फ्रेम मत बना देता वो। आ जाएगी बात सुनो, ये देखो कहते भी पतली पतली है, पतली पतली। आप देखो कितनी मोटी है, ये 6 फुट की है, देखो 6 फुट देख लो भाई, भर जाता हूँ इसका। ये 6 फुट की है, 6 फुट की यार। हाँ। मोटी भी अच्छी है, देख लो भाई। आप इसको ऐसे लेकर दिखकर तरवाओ फोटो आप। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल फोटो तरवाओ। हाँ। इसमें दिखाओ लोगों को आप, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। जैसे यहाँ वो आती थी, क्या नाम, कुसुम गोयत, इसको ऐसे पकड़ती थी और इंटरव्यू लेते समय उसमें फोटो बनवाती थी। ये इतनी लंबी है, 6 फुट की है, 6 फुट ठीक है। और इसका वजन होगा कम से कम 15 किलो वजन इसका। ठीक ठीक। और इसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको, ये तो मटर तो आम बोते हैं लोग। 15 किलो वजन है इसमें। हाँ, 15 किलो जी, 15 किलो, 20-20 किलो की भी हुई है मेरे पास। अच्छा, 20-20 किलो की। ये कुकर इनमें वजन बहुत है। अच्छा। हाँ जी, इसमें समय से पानी देता हूँ मैं इनको, बिल्कुल वजन है इनमें। हाँ जी, इसमें इसके बाद दिखाऊं मैं आपने। ये तो पनीरी है, प्याज की पनीरी। अच्छा, प्याज किसानों को ऐसे पनीरी बोनी चाहिए भाई, 3 ही लाइन दिखाइए बस। ठीक है, किसानों को लाइन में पनीरी बोनी चाहिए ऐसे। ठीक है। अगली बात में बोई थी मैंने। अच्छा, अगली बात खराब निकले आया था। ठीक 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 ठीक। और अब दिखाऊं मैं आपने, ये ब्रोकली है। ब्रोकली क्यों आयो? ब्रोकली है हरी गोभी। अच्छा, हरी गोभी। ये हरी गोभी है। अच्छा। और इसका खाने का बहुत बेनिफिट है, इसको सलाद में भी खाओ, सब्जी भी खा सकते हैं। अच्छा। हरी गोभी की वैसे अच्छी नहीं लगती दूसरे को देखने में, परंतु इसके बेनिफिट ज्यादा हैं। अच्छा। ये कैंसर वाले को भी खानी चाहिए, जिसको कैंसर है उसको इसकी सब्जी खिलानी चाहिए। अच्छा। ठीक है, जिसमें रोकथाम करती है ये। हाँ जी हाँ जी ठीक है। ये और इसके बाद है चुकंदर जी। चुकंदर, ये चुकंदर है आपके सामने। और चुकंदर भी किसान ने, हर एक ने बोना चाहिए, और बिना चुकंदर के कोई फायदा नहीं किसानी खेती करने का। किस चुकंदर और अपने खेत में बगीची और सारी किस्में की हल्दी लगानी चाहिए किसान ने। अपने घर का सामान सारा अपने घर पर ही पैदा करना चाहिए किसान ने। वो किसान है, वो किसान है। इसके बाद दिखाता हूँ मैं आपको, आप इधर आ जाओ। ये लहसुन है, जिसमें मैंने लिमका बुक में रिकॉर्ड बनाए 2 बार। ये देखो, ये लहसुन है, याद नहीं है, ये लहसुन है, लहसुन में। ठीक। और ये पहाड़ी लहसुन है। अच्छा। और इस बार मुझे उम्मीद है कि मैं 700 ग्राम क्रॉस करूंगा। अच्छा, 700 ग्राम का एक लहसुन। हाँ, अगर मौसम सही रहा पीछे तक। ठीक है। अगर मौसम गर्म रहा तो फिर नहीं, जो ये मेड पर लगी हुई है ना, इसमें ज्यादा बड़े बनेंगे। अच्छा अच्छा। और मैंने एक चीज और देखी है, किसान सब्जी क्यों नहीं लगाता? सब्जी में खरपतवार बहुत होते हैं। ठीक है, बात। तो आप देखो, इसके अंदर मैंने बड़के पत्ते डाल रखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यह चीज भाई प्रॉपर ध्यान दे, दिखा दे भाई, ये दिखा दे। बड़के पत्ते कैसे डाल रखे हैं इसमें? इसलिए डाल रखे हैं भाई, इसमें खरपतवार ना उगे। अच्छा। खरपतवार नहीं गुण देता, और इसका खाद भी बनेगा, और खाद भी लगेगा इसका, खाद भी लगेगा इसका। और मैं आपको बिना उसका भी दिखाऊंगा लहसुन, बिना उसके, बिना पत्ते का भी दिखाऊंगा, और पत्ते वाला भी दिखाऊंगा, उसमें कितना अंतर है। कितना अंतर है। हाँ जी, इस आ जाओ भाई,
इसने तोड़ फोड़ का अपनी एक सार कर लिया फिर बाद में, क्योंकि कहीं कुछ है कहीं कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल, आ जाओ आप, दूर जाना पड़ा आगे ताऊ। अच्छा एक वैरायटी है आलू की, ये लेट वैरायटी है, चल रही है ये लेट वैरायटी है। अच्छा, और इसी में वहाँ तक इसमें काफी 20-25 आलू एक ही ओली में 20-25 किलो आलू निकल जाता है। अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी, ठीक आओ ले भाई, कली कली चीज आप लोग दिखाने लग रहे हैं भाई। तरता दोली बैंगन भी दिखाई है, तरता लाल आलू भी दिखाया है, तरता काला आलू भी दिखाया है। इधर देखो, ये धनिया है, इसकी खुशबू देखो आप। एक मिनट इसकी खुशबू देखा है, इसकी खुशबू देखो, खा के देखो आप, इसको खा के देखा, खा के देखो, खा लो इसमें, खा के देख भाई तुम भी, खा के देख कितना स्वादिष्ट है। ऑर्गेनिक है ये, बिल्कुल बिल्कुल ऑर्गेनिक है, बहुत अंडे तो रेता तो चढ़ रहा है, इसको प्रूव कोई बात नहीं, रेता तो चढ़ जाएगा। अच्छा, मैं अंदा आदमी पूरा पानी छोड़ दिया, लग जाओ रेता, ठीक है ना। इसके बाद ये आई सौंठ, सौंठ सौंठ तो कहते हैं अदरक से सौंठ बनती है। हाँ हाँ। अदरक से सौंठ नहीं, मैंने पाड़ के रख रखे दो खींच के पास ही। ये देखो इसकी खुशबू भी दिखाऊंगा आपने तोड़ के। लोग ये कहते थे हैं भाई नहीं ये तो हल्दी है, हल्दी नहीं है, मैं दिखाऊंगा आपको। अच्छा, आप सूंघ के देखो, अगर सौंठ की खुशबू ना हो तो फिर मेरे को किसान ना कहियो। ठीक है बात, ठीक है ना। ये देखो आप सूंघ के, सौंठ की खुशबू है कि नहीं? बिल्कुल है, देख भाई सौंठ की खुशबू है कि नहीं? सुखानी पड़ती है, इसको सोधना पड़ता है। अच्छा, फिर इसको कली चूने के अंदर सोधना पड़ता है, फिर सौंठ बनती है इसकी। अच्छा, और कली चूना का ये नहीं पता भी कितना इसमें कितना डालते हैं, हमने कई लोगों से पूछा बताया नहीं उन लोगों ने। काम हुआ सौंठ का, सौंठ सर्दियों के अंदर जिसको गर्मी में सर्दी लगती है ना, उसको पहले काढ़ा बना के देते थे सौंठ। अच्छा, सौंठ का काढ़ा बना के देते थे, और जो जचा होती है जिसका बच्चा होता है उसको भी सौंठ उसमें इसके खाने में मिलाते थे। ठीक ठीक ठीक, ये शरीर की पूर्ति पूरी करती है, पूरी करती है। जो पहले बुजुर्ग थे, हमारी माता थी, बहने थी, जो हमारे से बड़ी बुआ थी, वो लोग सारे सांदना जो बच्चा होता था उसको सांदना बनाते थे घी का, तो उसमें खान का भी बोलते हैं, कहीं सांदना बोलते हैं, उसके अंदर डालते थे सारी चीजें। और जो आजकल की लड़कियां वो नहीं डलवाती इन चीजों, वो कहते मुझे अच्छा नहीं लगता, अच्छा सौंफ नहीं डालती, अजवाइन नहीं डालती, न सौंठ डालने देती, क्योंकि इनका उनको तो सिर्फ मीठा का स्वाद चाहिए, मीठा स्वाद। ठीक है बात, आ जाओ ले भाई, देख लो कली कली बात ज्ञान की, ताऊ पूरा ज्ञान का भंडार है भाई। जो आप कह रहे थे कि आपने ये जैसे जीवामृत होता है ना, जीवामृत जिसे खाद बनता है, पौधे को ताकत मिलती है। ठीक है ठीक है, अच्छा भाई जो आपने देखा इतना कच्चा खड़ा है वो आलू, हाँ हाँ, और इतना बढ़िया लहसुन खड़ा है, वो इसमें क्या किया हमने? अच्छा, मैं दिखाऊंगा। अच्छा, इसमें 2 लीटर गाय की लस्सी है, देसी गाय की, 2 लीटर गाय की लस्सी इसमें, 2 लीटर देसी गाय की लस्सी है। अच्छा, और एक इसमें 1.5 लीटर 1.5 किलो इसमें देसी गुड़ है। अच्छा, और 1.5 किलो इसमें बेसन है, चने का देसी बेसन, देसी चने का बेसन, वो बना के इसमें डाल करके और हमने इसमें 15 दिन ऐसे घुमाया। अच्छा, और इसमें खुशबू देखो आप, खुशबू बिल्कुल कोई बात नहीं, देखो इसमें खुशबू आती है इसके अंदर। और ये हमें पतली सी नाली लगा के फ्री, तो एप्पल इसमें और तो पानी होगा इसमें लगभग, हाँ सारा पानी है। अच्छा, ये तैयार हो जाता है। ठीक 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 ठीक, ये बन के 15 दिन में तैयार हो जाता है। और इसको हम जब नाली का पानी चलाते हैं ना सब्जी में, उसके ऊपर एक लेवल वाली नाली है छोटी सी, ठीक है, मैं दिखाता हूँ एक मिनट, यही खड़े हो। मैं समझ गया था वो आपकी बात, पतली नाली है, अपने चेज्जी में चल, यहाँ रख रखी है मैंने, एक मिनट यहाँ टूट, सर्दी है ना टूट जाएगी, एक मिनट रुको, यही दिखाऊंगा ताऊ के, पूरा मिट्टी है, कली कली बात नहीं, प्रॉपर तरीका समझाने लग रहा है। और इजराइल था ताऊ नींबू का पेड़ा चोरी करके ले आया था, तो हमने देख लिया है, चोरी करके नहीं, ये काट। अच्छा ठीक है बात, अच्छा कुकर मैं अंकल आया था, अच्छा ठीक, अच्छा मैं अंकल आया था, मैं तो नहीं कहा कि मैं ले जाने को दे, मैं तो नहीं ले आने से थोड़ा, अच्छा मैं अंकल आया था। ये नाली है, ये डालते हैं और इसमें चला गया इसका पानी, और उस पानी के अंदर मिला देते हैं, उस नाली के ऊपर बांध देते हैं,
ठीक है ना, तो ये बांध देते हैं और बांध के इसमें चलता रहता है पानी। हाँ। जितने में फिर गया उतने में जमीन फोकी होती है। हाँ। और उतनी ज्यादा खाद लगता है इसका। ठीक ये है, ठीक है बात। और इधर मैंने उसी पौधे से तैयार किए हैं नींबू। ये देखो नींबू के पौधे तैयार किए हैं और इसके ऊपर फूल आ गया अभी से। ठीक है, ये 2 महीने लगाए मैंने, अक्टूबर में लगाए थे। ठीक है, और इसके पौधे तैयार हो गए। और मैं बाहर चला गया था, पौधे तो बहुत तैयार होते। मैं हैदराबाद चला गया था किसी कॉन्फ्रेंस में। अच्छा, तो उसमें ये खराब हो गए, तो पीछे से फंगस आ गया इसमें। ठीक है ना। और घर तो, घर के कौन संभाल दे? नहीं, घर का कोई लड़का बाहर में बात में बदली हो रही है। अच्छा अच्छा, वो दूर रहता है। ठीक है ना, उधर वो प्रिंसिपल है, उस पर बेचारे इतना काम नहीं बनता, उसने काम नहीं किया कभी भी। ठीक है, तो और एक लड़का मिलिट्री में है, एक किसान की सेवा करता है, देसी सेवा करता है। दो लड़के ये देखो पड़ी है, देखो इधर देखे बड़ी बड़ी भी दिखा हुई है। लोग की देख लो भाई, इसके ऊपर कुकर पड़ी है भाई। कली कली चीज आप तक समझाई है, कली कली चीज आप लोगों ने देखी है। ये मैं हल्दी दिखाऊंगा आपने। अच्छा, हल्दी हल्दी ये पंजाब नंबर 1 है। अच्छा, मेरे पास 9 वरायटी हल्दी की है। ठीक है, 9 वरायटी है। पंजाब नंबर 1 है, पंजाब नंबर 2 है, राजापुरी महक है, पंत पिताब है, एक मेरी स्पेशल हल्दी है फुटों के हिसाब से होती है। और भाई एक हल्दी है मेरे पास, उसको आमा हल्दी बोलते हैं। ठीक है, आमा हल्दी है। और 3 वरायटी मेरे पास काली हल्दी की है। हाँ, किसी भाई ने लेनी है तो मेरे पास उसका बीज उपलब्ध है, मैं अपने फार्म से ला के दे दूंगा। ठीक है, यहाँ तो सिर्फ दिखाने के लिए, दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए। ठीक है ना, आ जाओ। ला भाई, आप तक कली कली चीज़ दी है, और भी रह गया था होगी। मैं बहुत कुछ रह रहा अभी, अभी क्या आ गया। अच्छा, हाँ भाई इधर ही आ जा, इधर ही आ जा। मानो देखिए देखिए देखिए, स्पेशल हल्दी दिया या। आप इधर आओ एक बार। ये लहसुन के बारे में कह रहा था ना मैं, इस लहसुन की क्यारी में, एक मिनट में बताता हूँ। इस लहसुन की क्यारी में मैंने 2 बार गुड़ाई करी, इसमें खरपतवार है। और इसमें 2 बार गुड़ाई करने के बाद भी ये कमजोर है, इसमें एक भी गुड़ाई नहीं करी, इसमें पत्ता डाल रखा है, पत्ता डाल रखा है, मल्चिंग कर रखी है। और मल्चिंग में देखो इससे अच्छा खड़ा है ये, बिल्कुल खुदाई वाले से अच्छा खड़ा है, बिल्कुल खड़ा है ना, खड़ा देख लो भाई। और खेत ताकतवर बनेगा इससे, जो मल्चिंग की है इससे खेत ताकतवर। नीम का पत्ता तो सबसे बेस्ट है, उसमें तो डिमक भी नहीं आएगी। अच्छा, नीम का पत्ते में देख लो तो यू है बिना पत्तिया का। हाँ जी, और यू है पत्तिया देख लो, अंतर देख लो, तुम्हें खुद बता दोगे इस चीज ने भाई, बहुत अंतर था अभी इसमें तो। देखो कितना अंतर है इसके अंदर, बिल्कुल है। आगे अच्छा, चलो के को थे? आगे आ जाओ। मैं आपको काली हल्दी दिखाऊंगा। अच्छा, काली हल्दी। हाँ जी, मैंने खोद कर धो के थोड़ी थोड़ी रख रखी है। लाले फिर यूं कहे जो करे तो यूं कहेंगे पीले हाथ करवा दे, यूं कहे करें काले हाथ करवा दे। हाँ अच्छा, तो मैं आपको दिखाऊंगा काली हल्दी। एक जगह मैंने उसमें देखी थी, उसमें आई हुई थी ये काली हल्दी है। अच्छा, काली हल्दी है। हाँ, इसमें रेशे अंदर भी काले हैं, दिखाऊं मैं? अच्छा, तोड़ के आपको दिखाओ दिखाओ दिखाओ। ये इसमें देखो काले काले रेशे, इसमें काले रेशे, काले रेशे हैं भाई, काले रेशे हैं इसके अंदर। ये काली हल्दी है, काली हल्दी है। और पीली हल्दी तो आपको 100 से लेके 120 रुपए तक मिल जाएगी कच्ची। हाँ, हाँ, हाँ। और ये आपको 600 रुपए भी नहीं मिलती। अच्छा, इतनी महंगी है ये, कैंसर की दवाई में काम आती है। अच्छा, काली हल्दी भी ताऊ ले रहे हैं भाई, और बेर भी लग रहे हैं भाई। अच्छा, जो आप कह रहे थे ना पीली पीली, ये पीली हल्दी है, पंजाब नंबर 2 है ये आने वाली। और आप कह रहे थे भाई पीली पीली हल्दी, एक मिनट में पीली हल्दी दिखाता हूँ। ये मैंने थोड़ी सी उखाड़ी थी, ठीक है, और धो रखी है ये। और इसके जहाँ लग जाएगी ना ये, वहाँ पीलापन नहीं जाएगा। अच्छा, अगर कपड़ा के लग गई तो कपड़ा भी। और मैं हाथ आपके हाथ पे लगा के दिखाता हूँ, एक मिनट। ये पीलापन 2-3 दिन नहीं उतरता इसका। अच्छा, हाँ जी, 2-3 दिन तक साबुन से रगड़े जाइयो, सूखने के बाद आप 2-3 दिन नहीं उतार सकते इसमें। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, इसमें खुशबू है। अच्छा, आप देखो कितना पीला है जी, बिल्कुल 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 है ना, ये पीले हाथ तेरे दो। ले भाई देखे, बिल्कुल ये ऐसा है, इसका खुशबू देखो इसमें, बिल्कुल खुशबू है, एक नंबर की जमा जरूर है रही हूँ। वाह जी वाह, देखो ये खुशबू छोड़े तो भी खुशबू है इसके अंदर, खुशबू। वाह जी वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। इसके बाद मैं आपको दिखाऊं, एक मैं जंगल में से हल्दी लिया था, देहरादून के जंगल। अच्छा? से
एक ही गांठ पाड़ के लिया था क्योंकि मेरे को वहाँ वो अभी न्यू लिया थे कि न्यू हेरा फेरी था। नहीं नहीं नहीं, वो तो सरकार का जंगल है। अच्छा, हेरा फेरी तो नहीं कहेगी, ये चीजें काट ठीक है, ठीक है, नहीं अच्छी नहीं होती। ठीक, वो देहरादून के जंगल में से लिया था मेरे को। जंगल में से फॉरेस्ट्री वाले रोक भी रहे, भाई यहाँ चीते हैं, आपको चीते खा लेंगे, ठीक है ना। तो फिर वो नहीं बोले भाई यहाँ ना आप अंदर बढ़ो। मैं अंदर में बढ़ के और एक गांठ ही पाड़ के लिया था उसकी, और वो दिखाता हूँ मैं, वो है काली अर्दी पेवर। अच्छा, वो काली अर्दी मैंने इसमें तो, इस बार जितनी जगह मैंने दिखाई अब तक, इसमें तो पानी भर गया था बारिश का, गोडा गोडा, ठीक है। और ये गोडा की वजह से इसीलिए जल्दी ये पक गई क्योंकि पानी की मार थी, ठीक है। अब मैं दिखाऊंगा, लगती सफेद है ये, सफेद लग गया, ठीक है, सफेद लगती है ना। और ये है काली अर्दी, वैसे सही ओरिजिनल काली अर्दी ये है, ये है। अच्छा, और ये एक पेड़ में से दो दो किलो, डेढ़ डेढ़ किलो निकल आती है। अच्छा, सबसे ओरिजिनल तो ये है। अच्छा, ये देखो इसका वजन कितना है। इसका वजन है 1 किलो 960 ग्राम। अरे इसमें तो जुगरा पास थी, लाले कोट काट का करेंगे जिसका पेपर हल दिया। देखो जी वो तो बहुत सूख जाता है, वो तो फिर कम लिखेगा। हाँ, इसमें से लगभग 200-300 ग्राम तैयार होकर मिलेगी। हाँ, तैयार होकर मिलेगी, और उसकी कीमत भी कई हजारों में। हाँ, तो ये है सफेद, ठीक है बात। और इसके बाद में आपको दिखाता हूँ, सफेद पक चुकी है ये। सफेद वाली पक, ये सफेद नहीं है वैसे, काली है, वो सफेद लगती है। ये देखो उधर ये सूखी पड़ी है, सूखी पड़ी। और ये 8 फुट तक इसके पौधे बद गए थे, 8.5 फुट तक इसके, देखा है 10 फुट इसका, एक फुट की फैसला रह गया था, फुट का फैसला, ठीक है। इतनी बढ़ गई थी ये, क्योंकि यहाँ फ्लड का पानी नहीं है, बाकी में यहाँ फ्लड क्या मतलब बारिश का पानी नहीं, वहाँ यहाँ ज्यादा पानी खड़ेगा, ज्यादा बारिश थी। ये है ये सिस्टम, आओ। और ये है बेर, देखो आप गुच्छे में लग रहा है, गुच्छे में लग रहा है। हाँ। ये भी मिठा बेर है, गे मिठा बेर है, अभी मिठा नहीं होया, ये अच्छा। जाके फरवरी में मिठा होगा, ठीक है। सबसे पहले इसका नाम है थाईलैंड एप्पल, थाईलैंड, अच्छा थाईलैंड का है ये, ग्रीन एप्पल भी बोलते हैं इसको, और थाईलैंड एप्पल भी बोलते हैं। अच्छा, यू भी थाईलैंड से लाया जाएगा? नहीं, थाईलैंड यहाँ मिल जाता है इंडिया में बहुत। अच्छा अच्छा, कहीं से ले लो आप, ठीक है बात। ले भाई, तुमने थाईलैंड एप्पल भी देख लिए, तुमने आज बेरा निक के देख लिया, मैं उनका घर चीज भूल गया, तो सीता उज्जी दिखाने लग रहे हैं, गंडा भी लग रहा है। और मैं आपको दिखाऊंगा फिर, ये देसी आलू है, बिल्कुल जो देसी उसको बोलते हैं, जो हर साल बोया जाता है। अच्छा, उसको देसी बोलते हैं, और जो एक बार होता है उसको हाईब्रिड बोलते हैं। अच्छा, वो दोबारा नहीं जमता, मतलब जम जाता है तो उसको फल नहीं आता। तो दिखाऊंगा मैं इसमें, इसमें मैंने ये जगह खाली थी चौमासे में, ठीक है, और इसमें मैंने 2 पल्ली पत्तों की खोल दी थी, ठीक है। और इसमें इतना बढ़िया मतलब खाद बनिया इसके अंदर, वो जो मैंने आपको वो दिखाई थी जिमीकंद, वो यही उगाई थी मैंने, वहाँ उखाड़ी थी, एक पौधा का निश्चित है, 2 निकली में, वैसे एक ही निकलती है, 2 निकली। एक तो वो 3 किलो 700 ग्राम की थी, एक 1.5 किलो की हो रहा है, मैं दिखाऊंगा आपको वो। और अब दिखाता हूँ मैं इसमें से आलू, आपको ठीक है, लाभ आलू देख लो भाई, पूरा ऑर्गेनिक आलू दिखाऊंगा। अच्छा, यहाँ छाम रहती है, छाम में छोटे बनते हैं। अच्छा, एक मिनट, छाम में ज्यादा बड़ा नहीं होता। हाँ हाँ हाँ, यहाँ छाम है, ठीक है, परंतु है ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ये जहर नहीं है इसके अंदर। अच्छा, हाँ जी, ये देखो छोटे हैं अभी। हाँ हाँ, छोटे रेट लगाए थे, छोटे हैं, है ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक है, ठीक है। इसमें कोई चीज रसायने की या स्प्रे कोई चीज नहीं है, कोई चीज नहीं है, ठीक है। असल में तो हम कोई स्प्रे करते नहीं, अगर करते हैं सिर्फ नीम की दवाई का, नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं, साल में एक बार जरूरत पड़ती है, वो भी अप्रैल के महीने में, ठीक है। नहीं, कोई जरूरत नहीं पड़ती, उस टाइम सुंडी शांडी हो जाती है, जो बरसीन में सुंडी होती है ना, सुंडी होती है, वो होती है, उसके लिए जरूरत पड़ती है, नहीं कोई जरूरत नहीं है, ठीक है बात। और उसको वो मारती नहीं है, उसको लूंज बना देती है, लूंज बना देती है, और लूंज बनने के बाद फिर उसमें वो नहीं मतलब पनप नहीं पाती आगे, खा नहीं सकती, और भूखी अपना आप मर जाती है। अच्छा, नहीं वो से, ठीक ला भाई, कली कली चीज। अच्छा जी, ठीक है जी, आपके पास आएगी ला भाई, तब ठीक है, तब कोई ठीक है। ये तेरा शोभा थोड़ी देर में ना, मैं तो मजाक में कर रहा हूँ, तो तुम सीरीज ले जा। ये भाई ये देखो 1.5-2 किलो की है ये इस लाइन में सारी में, ये अच्छा जिमीकंद है। ला भाई, अमरूद भी लग रहे हैं। हाँ, अमरूद भी हैं, सारी चीजें देखो, ये देखो आप इधर, ये जिमीकंद है, जिमीकंद है, ठीक है। हाँ, ये जिमीकंद है, इसकी कीमत 1 किलो की 60-70 रुपए है। अच्छा, मार्केट में, ठीक है बात, ठीक है ना। अगर किसान 1 क्विंटल उगा दे तो कितने की होगी? 6,000 की। 6,000 की किसानों को ये काम करना चाहिए, काम करना। और ये बाहर रह गया खराब हो जाती है, इसको मिट्टी में ढक के रखना पड़ता है। अच्छा, हाँ जी, ठीक है बात। और 2-3 दिन में इसको मुका देना चाहिए, इसकी गांठ को, ठीक है। अब इधर आ जाओ आप,
ला भाई ताऊ बनाने के अकेले दिखावा चलता है अभी। मैंने कल यहाँ रतालू, ये रतालू लग रहे हैं, ये बेल देखो, ये रतालू की बेल है। हाँ देख गया, ठीक है। रतालू क्यों भाई? इसको अंग्रेजी में याम बोलते हैं, याम, ठीक है। जिमी कंद की गांठ को भी आम बोलते हैं, रतालू को भी आम बोलते हैं, जो जमीन में नीचे पैदा होते हैं ज़्यादातर उनको आम बोलते हैं, ठीक है। तो ये बोटनिकल नेम है। हाँ हाँ। और मैंने कल यहाँ पर ये उखाड़ा था, अच्छा, धोया नहीं, अच्छा। कभी दो जिंदा न्यूकंदे भी ये तो आप कहीं से लेके आए, मैं इसीलिए ओरिजिनल आपको यहाँ से दिखाना चाहता हूँ। ये 10-15 किलो का है, ठीक है। हाँ, एक पेड़ के नीचे से, अच्छा। ये देखो, मैं आपके पेड़ थी कि बेल थी? तो उसकी बेल थी जी, बेल, अच्छा। पेड़ तो बोलती है एक बेल को, ठीक है, ठीक है। एक बेल के नीचे से, हाँ हाँ। ये देखो आपके सामने है ये, बिल्कुल बिल्कुल। इसको रतालू कहते हैं इंग्लिश में, इसको याम बोलते हैं। ये चीज है, इसकी भी सब्जी बना है, इसकी सब्जी बनती है पनीर जैसी, जैसे पनीर की सब्जी बनती है। हाँ हाँ। और इसका रंग होता है गुलाबी रंग, गुलाबी का रंग है, ये देखो ये गुलाबी रंग का, गुलाबी रंग है। तो उतना खाइए इसी की सब्जी? हाँ, सब्जी खाते हैं, हर साल खाते हैं हम। अच्छा, मटर में लाल तेल डाल लेते हैं इसको, ठीक, ठीक, और इसकी बड़ा स्वादिष्ट सब्जी बनती है। अच्छा। ये 100 रुपये किलो के करीब इसका रेट है, ठीक है। 100 रुपये किलो मिलता है ये, और ये बीज किसी के पास नहीं है, नहीं है, यही मैंने किसानों को बांटा है ये। अच्छा, यू कहता को किस होगा पास यहाँ पर नहीं है, ये भी मेरे को किसी आदमी ने, दूसरे देश से आया था, उसने दिया था मेरे को। अच्छा, आर्य नगर का था एक किसान, उसकी नर्सरी, उसने छोटा सा दिया था मेरे को 100 ग्राम का, ठीक, ठीक, ठीक। और मैंने इसमें यही पिछले साल मैंने 16 किलो 750 ग्राम की गांठ एक पौधे के नीचे से निकला, 16 किलो 750 ग्राम की अब भी पड़ा वो। अच्छा। और इसकी ये बात है कि इसको दूर में रख दे, ये खराब नहीं होता, खराब नहीं होता, ये 6 महीने पड़ा रहो, ठीक, ठीक, ठीक। परंतु ये छूलने से खराब हो जाता है, छूलने से खराब हो जाता है, ये चीज है जी। तो इधर से शॉर्ट लेना होगी, अगर का उरों तले ले भाई, गिया गाय कहता है, गिया की बहुत छोटा लिए। अच्छा, चलो भाई ये दिखाते हैं कुछ ना कुछ और चीजें। गन्ना दिखाता हूं, हां गन्ना, ये गन्ना, हां गुलाबी गन्ना, ये गन्ना गुलाबी गन्ना, एक मिनट, ये पौधा दिखता है आपको थोड़ा सा, समझे समझे, क्या ये पौधा दिखता है? हाँ, ये पिंक रंग का अमरूद है। अच्छा, और अगले साल इस पे अमरूद लग जाएंगे। अच्छा, हाँ, क्या साल हाँ का हो गया? ये 8-1 महीना का है। अच्छा अच्छा, हाँ जी, 8 महीने का, अगले साल लग जाएंगे, ठीक है, बात है। और ये गन्ना है, हाँ। देखो इसकी पोरी देखो आप, हाँ। कितनी लंबी है पोरी, देखो इसकी कितनी लंबी लंबी है, बिल्कुल। ये 3038 है, पंजाब की वरायटी है, पंजाब की वरायटी, ये पंजाब की वरायटी है। यही पर 3 वरायटी है मेरे पास, और ये है काला पोंडा, काला काला पोंडा, काला पोंडा, हाँ। ये देखो आप, क्या कड़े की वैरायटी है, इसकी लंबी भी है, ठीक है। ये भी मेरे को किसी किसान ने दिया था, ठीक है, तो किसान से मैं मोल लेके आया था इसी किसी से। अच्छा, और देखो इसकी लंबी छोटी छोटी पोरियां का तो बहुत होता है, ये छोटी पोरी का है, ये 2 वरायटी है, और ये लंबी पोरी का, लंबी पोरी का है, ये देखो, ठीक है, इसमें कितना अंतर है। इसके बाद है जो हमारे हरियाणा की शान थी, हाँ। जिसको बोलते हैं मुआनिया गन्ना, मुआनिया गन्ना, मुआनिया गन्ना, जैसी शक्कर और गुड़ किसी गन्ना का नहीं बनता, ठीक है। और मुआनिया गन्ना ये है, और इधर आओ, ये इधर लगा भाई, या क्या, ये मुआनिया गन्ने के गन्ना है, ठीक है, दिख गया आपने ये? हाँ, दिख गया, बिल्कुल। ये मुआनिया गन्ना है, इसका चूसने का भी नज़ारा अलग है, और इसके गुड़ शक्कर खाने का भी नज़ारा अलग है। इसमें से हमारे विधायक साहब है मेरे पड़ोसी, उन्होंने बोया इस बार, उन्हें कहते देसी गन्ना है ये पहले हमारे हरियाणा के अंदर मशहूर था, ठीक है। ये कैथल, जींद, हाँ। और इंसार में बोया जाता था ज़्यादातर, ठीक है। और कुछ इलाका कुरुक्षेत्र से तो करनाल में आता था, पूरा करनाल में भी होते थे इसको। हाँ हाँ। इसकी पोरी देखो कितनी लंबी लंबी है, ये देसी गन्ना है, बिल्कुल बिल्कुल, मुआनिया गन्ना बोलते हैं इसको। हाँ। ये बीज लुप्त हो गया। अच्छा, लुप्त हो गया, लुप्त हो गया, ये हमारे बुजुर्गों ने मेरे को दिया था। अच्छा। तो मैंने इसको सांभ के रखा, भाई कैसे भी सांभ के रखो, इसको रखो, पर इसमें कोई रासायनिक दवाई नहीं है, ठीक है। और इधर खड़े ये भी मुआनिया सारा, ठीक ठीक, ये भी मुआनिया गन्ना सारे सारे। इसके बाद में आपको दिखाऊंगा केला, केला जो ऊपर पकता है, ठीक है, नीचे नहीं पक, तोड़ के नहीं पकाते हम कभी भी, ऊपरी पकता पौधे के ऊपरी। अच्छा, यू करते हैं, यू को चल पड़े, आ जाओ, ये चल पड़े ही, मतलब ऑर्गेनिक के ऊपर है सारी बात। अच्छा अच्छा, मैं यहाँ समझाता हूँ। एक बेरी मेरे पास ये है, इसको बोलते हैं कश्मीरी एप्पल, ठीक है, ये लेट पकती है। अच्छा, जब ग्रीन एप्पल खत्म हो जाता है ना, फिर उसके बाद पकती है ये, ठीक है, इसको कश्मीरी एप्पल बोलते हैं।
तो ये बेरी, और यहाँ पर इतना पानी था कि गोटा गोटा पानी खड़ा था यहाँ। जब बारिश हुई एक महीना डेढ़ महीना पानी नहीं सूखा, इसीलिए इस बार ये पौधा भी दब गया, इसीलिए बेर का पौधा भी दब रहा है। हाँ। इस पे पिछले साल इतना बेर नहीं है। हाँ। और इसके बाद दिखाता हूँ जो ऊपर पकता है। हाँ। केला, केला वो केला दिखाऊंगा आपको, ठीक है आओ मेरे साथ। ऊपर के क्या भी नहीं पका केला, इसमें भी मैंने अदरक लगाया था, ये अदरक में पानी की वजह से ये खराब हो गया, इसमें इतना नहीं चला वो, ठीक है आओ। इसमें आपको छोटी सी जगह है ये। हाँ। इसमें मेरे पास सात गड़ लग रही है, सात गड़ लग रही है। हाँ ये देखो ये गड़ तो ये रही, अच्छा दिखती है आपको? हाँ हाँ बिल्कुल दिखा दे भाई, एक गड़ तो ये यहाँ दिख गया, बिल्कुल दिख गया, एक गड़ वो रही, एक गड़ वो रही, ठीक है तीन तीन होगी ना। और अच्छा केला कितने दिन में, मतलब क्या दिन में तैयार हो जाता है? एक साल में तैयार हो जाता है ये केला, पेड़ या कला एक केला। इस केले को आप लगा दो आप, और ये आपको आगे जून उसमें सितंबर अक्टूबर में आपके केला लग जाएगा। पूरा केला कितने दिन में तैयार हो जाए? एक केला जैसे कि एक केला गड़ लगी हुई है, अच्छा ये गड़ एक गड़ केले की ये तैयार हो जाती है कोई तीन एक महीने में, तीन महीने में पक्के तैयार हो जाती है। ये लेट लगे इस बार, अच्छा अच्छा क्योंकि यहाँ बारिश ने बड़े तंग किए, ठीक है। और जी तीन गड़ा दिए थे मैंने आपको, ये चौथा है, चौथा ठीक, ये पांचवा है, पांचवी है, आज आओ मेरे साथ लावा गड़ गड़ केला एक केला हो रहा है, और ये छठी है, और साथ में आओ दिखाऊं पकने वाली है। जो पकने वाली है इसके ऊपर पकाई है, अच्छा ये देखो जी ला भाई, ये थोड़ी सी गर्मी आई, ये इसमें हम पॉलिथीन चढ़ा देंगे, पॉलिथीन से भी पक जाएगी, ठीक है। ये पकने वाली है, तैयार है बिल्कुल, तैयार है बिल्कुल है। हाँ। पैठ तो रहे केला जो खराब, कोई बात नहीं, ये सर्दी की वजह से पट जाता है, अच्छा, एक अच्छा। कोई बात नहीं, एक केला तो वहाँ भी पटे आ जाता। हाँ, है बिल्कुल आ जाता है, उसमें भी पटे आ जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, परंतु ये पक चुका है, अच्छा ठीक है ना, ठीक है। ये चीज हमें किसानों को ये कहता हूँ, कम से कम अपने घर के खाने के लिए तो केला पेड़ में सांप रहेगा, नहीं कोई सांप नहीं रहता, ये झूठी बात है। वैसे ठंडा होता है इसका पानी, अच्छा। और इसके एक चीज और बताऊँ, इसके अगर पत्ता का रस लग जाता है तो कपड़े को खराब कर देता है, इसका और अरबी का, दो चीज ऐसी है कि यहाँ तो रद्दी से रद्दी कपड़ा पहन के आना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है। इसलिए मैंने नए कपड़े नहीं पहने, ठीक है बात। तो रद्दी कपड़े पहन के आओ, क्योंकि इनका पानी लगे वहीं से कपड़े खराब है, दोबारा इसका दाग नहीं उतरता, दाग नहीं उतरता, ठीक है बात। ला भाई बता दे उतर रही बात, सच्चाई है पूरी पूरी पक गई है, एक कैमरा मैन तक हुआ दिखा दे भाई, ताऊ ने जो बात बोल ली है भाई सारी सारी सॉलिड बोल ली है, और ताऊ बहुत ज़्यादा समझदार आदमी है, दूसरे देशों तक के टूर मारा है, ठीक है। लाभ आप लोग वीडियो देखने लग रहे हो लगातार, यूके है ताऊ, ये हमारा हल्दी है, अच्छा इसके तीन ही पेड़ है, मैं एक गांठ लिया था पिछले साल, उसके मैंने तीन टुकड़े बना के लगा दिए, अच्छा। और इसकी सबसे ज्यादा मांग है, मांग है 300 रुपए किलो है इसका रेट, अच्छा कच्ची का, हाँ 300-350 रुपए मिल जाती है, आमा हल्दी है ये, ठीक है। और ये बीमारी में सबसे ज्यादा काम आती है, परंतु कैंसर में काली आती है, जो काली मैंने दिखाई थी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और भाई खांसी जुखाम से जैसे खून साफ करने में हमारी पीड़ियल दिखा पाती है, ठीक है ना, ठीक है। अब मैं आपको बढ़िया बढ़िया वो दिखाता हूँ, एक जो हमारे ये बीन बजाते हैं ना लोग, बीन बजाया तो बीन वाली घी अभी मैंने लगाई थी, अच्छा उसके भी मेरे पास 2-3 पीस पड़े हैं, ठीक है। तो हमने खाई थी, वैसे कड़वी होती है हमें, परंतु मेरे पास थी जो मीठी थी, अच्छा मीठी बीन वाली थी, ठीक है। और मेरे से मांगा भी है जो बीन बजाते हैं ये वाल्मीकि, तो उसने एक ने छात्र थुआ का मांगा, तो मैं बोला भाई सूखने के बाद बीज निकाल के दूंगा, जब बीज निकल जाएगा फिर ले जाइए, मैंने तो करना है कुछ नहीं इसका, ठीक है वो दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ला भाई बीन वाली घी अभी आप तो अभी दिखाऊँ भाई चंद मिनटों में चंद सेकंडों में, और यू आपने यू के था किन्नू था यू ताऊ मिठा किन्नू है यू मिठा किन्नू है ये है वो बीन वाली घी, अच्छा ये बीन की घी है जिसकी बीन बनती है, यहाँ से काट देते हैं, ठीक है। और यहाँ से काट के वो नाली लगा देते हैं, और ये मीठी बीन है, मीठी बीन है, नहीं बीन कड़वी होती है, और ये जो आप कह रहे थे वो मीठा किन्नू, हाँ आप इसमें कोई किन्नू तोड़ का खा लो वही मीठा है, बिल्कुल बिल्कुल, कोई नहीं दांतों नहीं खा लेंगे, वो भी चलो चलो। अच्छा और क्या कह रहा है क्या ला भाई, आपने वीडियो किसी लागी है, ताऊ भी आपने सारी की सारी बात सुनी है, एक और है क्या कह रहा है क्या, अच्छा बीज कैसे बनता है, ठीक 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 ला भाई बीज कैसे बनता है यूँ बतावांगे, और भी तो और पता ले आता है कोई सूत्रा ले आइए भाई, बीज कैसे बनता है वाई बार तब बाहर जाएगा बताओ, मैं कैमरा मैन तक हूँ भाई आगे आगे चाल मेरा, अरे ये चीज ध्यान दे रहा भाई गला गला लगातार, तब गोभी भी दिखाई है, तीन प्रकार के आलू दिखाए हैं भाई, बिरंदर तक एक के दिखाया है, बहुत कुछ तो चीज दिखा दी है आज, और मामे इस टाइम गलत रास्ता पे आ गए हैं, डोड़े डोड़े मामला जाना पड़ा,
भाई कैमरा मैन तक होगा सही जगह पकवाया जगह जड़ा गुआना है अपना और इतर तुम दिखाए भाई बीज के उपकर बना है और ये खुरपा भी देख। खुरपा देख लो भाई अच्छा अच्छा 500 रुपये बना था उनके ठीक है घिया देखी थी घिया देखी है ना लोग या साइंटिस्ट उसको जब पक जाती है हरी को हरी में से बीज निकाल लेते हैं और उसको उसी टाइम पैकिंग कर देते हैं उसमें 50% जर्मिनेशन होता है क्यों होता है जब तक इसमें बीज है इसको घिया को छाया में सुखाना चाहिए ठीक है। और छाया में सुखा करके इसके जब तक इसके अंदर का गुद्दा नहीं सूखेगा जब तक बीज पूरा नहीं पकेगा सेंट परसेंट जर्मिनेशन लेना तो एक साल में एक घिया पक सूखी है ठीक है एक साल लग गया इसको अच्छा सूखने में हाँ सूखने में एक साल लगता है छाया में सुखाते हैं हम धूप में नहीं डालते इनको छाया में सुखाते हैं और छाया में क्या डालते हैं धूप में तो एकदम ज्यादा गर्मी आ जाती है उस टाइम में जैसे अप्रैल मई में ज्यादा तो वो खत्म कर देती है इसको ठीक है ना ये आस्ता आस्ता सूखे पंखा चलते रहे बेशक ऊपर हवा लगती रहे बाहर की तो तभी बनता है इसके जितने बीज भी पकेंगे सारे सोल्ड पकेंगे और सारे जर्मिनेशन होंगे जो हम कच्ची बीज में से निकालते हैं और कच्ची में से निकाल करके जो हम करते हैं उसमें वो सारे नहीं जमते वो 50% जमते हैं और हम बीज निकाल के इसमें से यहाँ से काटते हैं यहाँ से काटते हैं यहाँ से आरी गले सीधा काट के फिर टेढ़ा काटते हैं ठीक है। और टेढ़ा काट के इसका गलाफूसा निकल जाता है ठीक है। फिर हम इसे तार से निकालते हैं इसमें से बीज, अच्छा, बीज और वो तार से निकाल करके अगर 100 केस में रखनी है आपने की या मैं दिखाता हूँ मैंने ऐसे कर रखा है अच्छा आ जाओ यहाँ दिखाऊंगा मैं आपने तो अच्छा पूरी पूरी तोड़ी को नहीं आपने ना ना पूरी नहीं तोड़ी मैंने तोड़ी तोड़ भी लेते हैं जैसे ये है 5 फुट 10 इंच की मैंने यहाँ से काटी इसको और काट के इसका सारा बीज निकाल दिया निकालने के बाद फिर मैंने इस पर टेप वो लगा कर गलाफूसा और टेप लगा के इस पर पेंट कर दिया ये 100 के लिए अपने घर में रखो ठीक है। और ये थी 5 फुट 10 इंच की और ये है 6 फुट 2 इंच की हाँ जी इसका भी ऐसे की इसमें बीज नहीं है खड़कती को नहीं जैसे कहीं ले जानी है सीड ले जाना कहीं तो जो हम तोड़ेंगे नहीं तोड़ेंगे 20-20 किलो वजन होता मुश्किल हो जाती है ठाणी किसान मेलों में फिर हम सूखी ले जाते हैं ठीक है ना सूखी पेंट करी हुई ले जाते हैं और बीज अपना वहाँ सेल करते हैं किसान मेले में ये है यहाँ तो मैं दिखाने के लिए करके खेत में तैयार करता हूँ हाँ जी ये सिस्टम है इसका जी और एक चीज और बताता हूँ मैं इसमें सीड लेने के लिए जैसे किसानों को मैंने कुछ नहीं बताया और मैं ये कहता हूँ भी अगर किसी ने सीड लेना है मेरे पास 10-12-14 वैरायटी के बीज तैयार करता हूँ मैं वो नहीं दिखानी याद रही मैंने आपको ऊपर लग रही थी एक तो बोतल टाइप की घिया थी देसी और एक वहाँ सेम फड़ी रहेगी वो भी नहीं दिखा सके वो ध्यान नहीं रहा ऊपर करने का बोतल टाइप की घिया तो यहीं पड़ी है देसी वो दिखाऊंगा मैंने और जो ये लोग हाइब्रिड घिया बनाते हैं ना और किसानों का फुदू बनाते हैं और उसमें कहते हैं हाइब्रिड है उसमें से अगर उसका बीज आप अगले साल बोएंगे बना करके अगर उस पर घिया लगी वो हाइब्रिड नहीं था वो देसी है वो भी चीज़ दिखाऊंगा मैं उसके ऊपर तजर्बा करता रहता हूँ मैं और एक मेरे पास देसी घिया है और बीज भी जैसे हम करेला का बीज बनाते हैं किसी चीज़ का बीज बनाते हैं उसको जैसे आजकल तो छाया में बीज नहीं सूखता आजकल तो बीज सूखेगा जैसे करेला तैयार था खत्म हो गया ठीक है। तो मैंने सुखाया था आपको मैं दिखाता हूँ यही मैं बीज निकाल करके आपको दिखाता हूँ तो इसमें तंसड़ी में हमने प्लास्टिक तंसड़ी में सुखाते हैं और गर्मी हो चाहे सर्दी हम तंसड़ी प्लास्टिक में सुखाते हैं क्योंकि अगर हम तंसड़ी में सुखाएंगे तो देखो ये बीज ऐसे होता है कवर में इसका कवर उतारना पड़ता है अच्छा। और मैं आपके आने से पहले ये सारे कवर उतारे जितना ये बीज बड़ा करेला का और ये 2 फुट तक का लंबा करेला होता है अच्छा। और ये 12 किलो का कद्दू था अच्छा। कद्दू थे 2 कद्दूओं का बीज है ये अच्छा 12 किलो 12 किलो वाले का ठीक है। और एक चीज मैं और दिखाता हूँ आपको जो वो बोतल टाइप घिया बोल रहा था मैं आपने वो देसी है ये दोनों घिया बोतल टाइप है बोतल की तरह होती है ऊपर से पतली नीचे से मोटी ये बोतल टाइप है बिल्कुल बोतल की तरह होती है इसको बोतल टाइप बोलते हैं ठीक है। और जो एक चीज और बता रहे हमें आपको भाई हाइब्रिड गाय के बेच देते हैं किसान को ये भी बोतल टाइप है ये भी देसी है बोतल टाइप में है ये भी और इसकी स्वादिष्ट 1 किलो की घिया तोड़ लेनी चाहिए ये कहते हैं हाइब्रिड है इसका बीज पूछ पक चुका है और इसका बीज मैंने ये
मई में पक गई थी, ठीक है, और मई में पकने के बाद मई जून में मैंने दूसरी जगह लगवाई इसका बीज। यहाँ तो अगर लगाता मैं क्रॉस हो जाती, परंतु उस पर जैसे ये लगी वही महीना के डेढ़ महीना के बाद वो भी लगनी स्टार्ट होगी, परंतु हाइब्रिड नहीं था, ये देसी है। अच्छा, देसी है, देसी बीज है, ठीक है। झूठ बोल के किसान को ठगते रहते हैं कई व्यापारी लोग, ठीक है। लावे आपने पूरी पूरी जानकारी ली है, ताऊ था अपने, हाँ हाँ, जो रतालू था 16 किलो 700 ग्राम का, हाँ रतालू, वो मैंने 6 महीने पहले ने उसमें मार्च में पाड़ा था। अच्छा, और मार्च में पाड़ करके मैंने यहाँ रख दिया। अच्छा, हमें 16 किलो का, 16 किलो 750 ग्राम वजन था, जो गुलाबी कलर का था। हाँ हाँ, ये देखो ये अब सूख रहा है ये, मतलब 6 महीने तक इसके स्टोर कर सकते हैं, 6 महीने तक। ऊपर से अब भी नहीं सूख गया, ऊपर से नीचे इसमें नीचे खुरपा लग गया था, ठीक है, और खुरपा लगने की वजह से नीचे सूख गया, नहीं सूखता नहीं है ये, ठीक है, इसकी स्टोर क्षमता बहुत बढ़िया है। हाँ जी, ठीक है। लावे आपने पूरी पूरी जानकारी ताऊ तो ले अपने वीडियो किसी लागे कमेंट में बता दिए। जय जवान, फोन फोन फोन, जय किसान। और ताऊ जी का फोन नंबर, भाई मेरा 2 नंबर फोन नंबर है, अगर किसी ने बीज की जरूरत है, 10-12 किस्म के बीज रखता हूँ मैं देसी। एक तो मेरे पास नंबर है 9496644214, एक नंबर है 8905054214 लास्ट में 44214, ये नंबर है। और किसी ने संपर्क करे तो फरवरी में हम बीज देते हैं, ठीक है ना, जनवरी के लास्ट में और फरवरी में बीज देते हैं इसको उगाने के लिए। जिस भी किसान को चाहिए तो आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं और आके भी ले जा सकते हैं कुरुक्षेत्र मेरी कोठी से, और मैं अपने खेतों में तैयार करता रहता हूँ, यहाँ तो मैं दिखाने के लिए, ठीक है। अपना पूरी डिटेल लिया वीडियो किसी लाइक कमेंट बता दीजिए। जय जवान, जय किसान।